बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बीआरटी 14 टेस्ट फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बीआरटी 14 में फिजिक्स पेपर आप मैच करते जाइए, आपने क्या किया, क्या मिस्टेक की, कितना प्लस प्लस माइनस किया, कितना टाइम लगा, सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो बीआरटी 14 देखिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखिए, छोटी छोटी टॉप्स है, 8 ऐसी टॉप्स है, उनको मिलाकर बड़ी टॉप बनाई, ठीक है? तो क्या करना है, सी डी बड़ी टॉप की एचडी डिवाइडेड बाय सी स्मॉल, इसका रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है? सिंपल बात, पहले क्वेश्चन समझते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, लिखते जाना, ये दिया, ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना, ठीक? तो देखिए इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए सी स्मॉल ड्रॉप की, स्मॉल ड्रॉप उसकी मान लीजिए सी, ओके, और सी बेस मान लीजिए बी की, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, एन, स्मॉल एन है क्या, नंबर ऑफ ड्रॉप्स जितनी ड्रॉप मिलकर के छोटी बड़ी बन गई, ओके, नंबर ड्रॉप्स मतलब स्मॉल एन है, ठीक है? तो देखिए फार्मूला याद रखिए, अच्छा रहे, टाइम बचेगा, सी बेस फार्मूला क्या होता है, एन के पावर 1/3 इंटू सी, ये फार्मूला याद रखिए, उसे टाइम बहुत बचेगा, यही ऐसे क्वेश्चन आगे वाला भी है, उसमें पोटेंशियल वाली बात, उसमें चार्ज वाली बात पूछी है और एक में पोटेंशियल, तीनों चीजें बता देने एक साथ साथ, ठीक है? इसी टाइप के जिसमें कैपेसिटी का फार्मूला है, पोटेंशियल फार्मूला क्या होता है, V डेस इक्वल टू n के पावर 2/3, ठीक है, इंटू V, समझ गए? ये V स्मॉल की कंपेरेटर आप देखिए, स्मॉल की चीजें ये है और बिग की चीजें ये, ठीक है? इसी प्रकार से Q डेस ये बिग का है, ठीक है, इक्वल टू n, n इंटू Q होता है, तो तीनों फार्मूले आप समझ लीजिए एक साथ, ठीक है? जैसे थ्री टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में इसकी बात कही है, इस टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इधर इसमें नहीं दिया है, लेकिन तीनों साथ मैंने एक बात बता दी कि बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटी और स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का क्या फार्मूला होगा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है एंड चार्ज फार्मूला क्या होता है, ठीक है? तो ये बातें आपके लिए टाइम एग्जाम बचाना एक कला है, इस टाइप क्वेश्चन कई साल आया है, थ्री टाइप क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें ये फार्मूला लगा दें, ये वाला फार्मूला, ठीक है? तो ये बिग, तो आप देखिए सी डेस अपॉन सी की बात पूछी गई, ये हुई एन के पावर 1/3, ठीक, एन यहाँ कितनी थी 8, तो 8 के पावर 1/3 हो गई, ठीक है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 1/3, ठीक है? और ये बात मैंने एक बार बताई थी आपको, मैथ की चीज है कि अगर एम पूछे आपसे एक्स पावर एम, पावर के ऊपर पावर, ओके, एन पावर एम है, तो पावर इसका आंसर क्या होगा, एक्स पावर एम इंटू एन, और मल्टीप्लाई हो जाती है, ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? तो देखिए यही बात यहाँ होगी, 2 = 2 के पावर 3 × 1/3, ठीक है? तो ये चली बचेगा 2, तो दिस इज आंसर, ये बात पूछी थी, बिग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ड्रॉप की कैपेसिटी इक्वल टू दिस मच, रेशियो क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने 64 स्मॉल ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती है, एक बड़ी ड्रॉप, ओके, तो कह रहे हैं स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू है स्मॉल पे, ठीक है, तो बड़ी चार चाहिए हमने, मतलब क्यू डैश बताया था एन क्यू, ठीक है, एन क्यू कितने ड्रॉप से 64 × 2, ये आपका आंसर होगा, ये बात हम पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं, वही बात यहाँ पे काम आ रही, ठीक है? और पोटेंशियल की बात बता दी थी, तो एक साथ तीनों वैरायटी मैंने कवर कर दी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले, ठीक ठीक बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन थर्ड के पेज में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, अपना आपको समय पे ध्यान रखना है, लेकिन एग्जाम बहुत पास में है, ठीक है? एक कैपेसिटी, एक कंडेंसर, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी सी नॉट है, उसकी एनर्जी कितनी डब्ल्यू नॉट, अब उसके बीच में डायरेक्टिव भर दे रखे, ठीक है, तो पक्की बात है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सी डे हो जाएगी ए सी, ए सी मान 5 × 5 × C0, ये कैपेसिटी कितनी हो जाएगी और उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए एनर्जी फार्मूला क्या होता है, एनर्जी जो होती है हम लोग लगाते हैं हाफ, ये फार्मूला लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग, हमने क्या किया कि कैपेसिटर को बैटरी कनेक्शन नहीं है, बैटरी से अलग है, बैटरी कनेक्शन नहीं है,
तो क्यों क्या होगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा, जो कितना जितना पुराना क्यों था वही नया क्यों रहेगा, ठीक है ना। तो पहले एनर्जी कितनी थी, फर्स्ट वाली देखिए, फर्स्ट वाली एनर्जी यू नॉट थी और क्यू स्क्वायर बाई कितना था सी नॉट, ये क्वेश्चन पर बन थी जब एयर थी ना, तो क्वेश्चन एनर्जी का ये था, इसीलिए हमने फार्मूला क्यू को लगाया, क्योंकि क्यू सेम रहेगा तो क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, बाद फार्मूला यू जो हमें निकालना है, तो हाफ क्यू तो ही रहेगा और सी नॉट कितनी हो गई, ये हुई 5 सी नॉट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसलिए एनर्जी फार्मूला हाफ सी का नहीं लगाया, क्योंकि चार्ज के बारे में हमें जानकारी थी, जितना चार्ज डायरेक्टिव बनने पहले था उतना ही चार्ज डायरेक्टिव बनने के बाद रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर को बैटरी से अलग रखा गया है, बैटरी से कनेक्शन नहीं है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर, कैपेसिटर ऐसा है, इसका एक्टिविटी ऐसे था, पहले एयर भरी थी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया उन्होंने डायरेक्टिव भर दिया इस टाइप से, यहाँ पर एयर था, ठीक है, इसे फार्मूला लगाया, अब 1/2 कर दे हम लोग, ये एनर्जी निकाली नई वाली, ये पुरानी थी जिसको यू नॉट क्या इन्होंने डब्ल्यू नॉट लिखा, इसी को उन्होंने यू नॉट डब्ल्यू नॉट लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली हमें यू निकालना है या डब्ल्यू जो निकालना है, 1/2 करें इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ठीक है, क्या होगा यू नॉट डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू अपॉन अपॉन यू, ठीक है, इस पर 2 होगा 5 सी नॉट अपॉन सी नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। तो यू क्या होगा, यू ये नया एनर्जी जो होगी डब्ल्यू अपॉन 5 हो जाएगी, एनर्जी को कई लोग डब्ल्यू लिखते हैं कई यू लिखते हैं, डब्ल्यू लिख दिया डब्ल्यू लिख लिया हम लोग, ठीक है, तो नई एनर्जी आप डब्ल्यू नॉट 5 हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या है कि चाप सेकंड ला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम आपको मेथड बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा होती है, फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कर ना सके आप, क्योंकि नीट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है, ओके। बिग आई को हमने स्मॉल आई लिख दिया, क्यों टाइम बचेगा, दिस इज योर टीम, दिस इज योर सेल, ये 80 वोल्ट का सेल, ठीक है, ये टाइप पूरा फिगर आपका ये हो गया, यहाँ ये 40 वोल्ट सब लिख दिया मैंने, पूरी जो क्वेश्चन दिया था हमने लिख दिया, ठीक है, इसमें करंट I3 है, दिस इज करंट I3, ये करंट है I2, करंट नाम दे रखे सर हमने, हमें बता I1, I1 बराबर क्वेश्चन मार्क ये बताना, ठीक है, करंट नाम सब दे रखे हैं, तो देखिए हम लोग जॉइंट के नाम दे सकते हैं, नाम देने ही पड़ेगा एक्चुअली, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, जितने भी नोड थे उनके नाम दे दिए हमने, ठीक है, क्योंकि दो फार्मूले बनाने पड़ेंगे, मतलब वही दो लाग लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लाग किरचॉफ का और सेकंड लाग, मैक्सिमम दो ही लाग लगाने पड़ते हैं, अब मान ली पहले हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लाग डाल दें यहाँ पे इस नोड पे, ये नोड एफ, इस नोड पे देखें, इस नोड की ओर आने वाली करंट कौन सी है, करंट आने वाली करंट है I3, नोड की तरफ आने वाली करंट कितनी आई, केवल I3 करंट आ रही नोड की ओर, ठीक है, और नोड से दूर जाने वाली एक I1 है एक I2 है, ठीक है, होगा ये होगा I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है, कि चार फसला से इक्वेशन बना दी I1 I2 I3 को जोड़ने वाली, ठीक। अब लूप लेना पड़े लूप इक्वेशन, मान लीजिए लूप लेते हैं, देखिए लूप हमने हमारे यहाँ से लिया, हम ऐसे बना देते हैं इस टाइप से, ऐसे लूप लिया हमने, ये लूप क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप लिया हमने, जैसे लूप को बनाना पड़ेगी, कौन से लिया, ये ए ए ए बी, मान लीजिए ऊपर वाला लेते हैं ये ए बी सी और एफ और ए, जहाँ से चले वहीं पे आ गए हम लोग, यहाँ से चले ऐसे ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे आ गए, ठीक है। तो हम तो सिंपल मेथड से याद करते हैं कि पोटेंशियल यहाँ स्टार्ट करें वी ए ए पर पोटेंशियल लूप इटरेशन चल रहे हैं हम लोग, देखिए करंट, देखिए I1 इधर करंट ऐसे I1, ठीक है,
एक ही बात रास्ते में ये रेजिस्टेंस पड़ता है, रेजिस्टर पड़ता है, इसमें हम लोग लूप की डायरेक्शन चल रहे हैं, करंट भी लूप की डायरेक्शन में ही है, लूप की डायरेक्शन ये है और करंट डायरेक्शन वही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल नुकसान होगा, कितना होगा I1 into 30, ठीक है। आगे चले फिर रास्ते में देखिए, हम भी हम लोग इधर चल रहे हैं, अब देखिए हमारी लूप की डायरेक्शन ये इस टाइप से ऐसे चल रहे हैं हम लोग, देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे लूप में चल रहे हैं, और सेल की करंट क्या है, सेल की अगर सेल करंट देता तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल की करंट डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेल सपोर्ट करेगा, मतलब प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 40। फिर आगे चले, एक रास्ते में और कुछ नहीं, हाँ इसके बाद ये पड़ेगा 40 ओम का, यही पड़ेगा, इसमें करंट देखिए, देखिए कितनी करंट है I3, तो लूप की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल नुकसान होगा, कितना होगा I3 into 40 - I3 into 40। आगे चले, अब यहां से ए तक कुछ नहीं पड़ रहा है तो बराबर क्या होगा VA, तो VA भी हो जाएगा कैंसिल, ये क्वेश्चन नंबर दूसरी बन जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरी में ये I1 और I3 जोड़ने की क्वेश्चन बन जाएगी, तो क्या करें I3 में क्या रख दें, हम क्या 0 पर डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 0 और 0 और 0 कैंसिल हो गया, काम आसान हो जाएगा, -3 I1, ठीक है, और हम क्या करें +4 I3 की वैल्यू I1 के I2 टर्म्स में लिख दें और -I1 + I2 * 4 बराबर हो जाएगा 0, ये क्वेश्चन ये दूसरी क्वेश्चन ये बन जाती है, ठीक है, तो ओपन करेंगे I1 I2 की क्वेश्चन ये बन गई, ठीक है, और एक लूप और लेना पड़ेगा कि I1 I2 की दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ये एक और चाहिए, अब मान लीजिए दूसरा ये लेते हैं, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, यहां से ले लें कहीं से, मान लीजिए यहां से ले ऐसे ले ऐसे F क्लोज लूप F कहीं से चल सकते, किसी तरह से चलते हम लोग, इसने चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, FE D फिर C उसके बाद F, लूप क्लोज हुआ, एफ से चले हम लोग, ऐसे चले ओके, एफ पे पहुंच गए, ये क्लोज लूप इसमें ले लिया हमने, एफ से शुरुआत की स्टार्टिंग VF, यहां चले रास्ते में 40 ओम आया, ये 40 वोल्ट ओम आया और करंट इसमें कितनी I2, और हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो नुकसान होगा I2 * 40। फिर आगे चले, लूप डायरेक्शन ये है और सेल डायरेक्शन सेम है तो +80 सपोर्ट कर रहा सेल, फिर चले यहां है, फिर यहां है, देखिए सेल आया, लूप की डायरेक्शन और सेल डायरेक्शन सेम है, ठीक है, देखिए लूप की डायरेक्शन और सेल की करंट, खुद की सेल की करंट डायरेक्शन देखना पड़ता है, देखिए सेम है तो ये हो जाए +40। फिर आगे चले आए, इसमें जाए देखिए इस करंट डायरेक्शन और लूप डायरेक्शन सेम है तो नुकसान होगा -40 * I3 बराबर हो जाएगा VF हो जाएगा कैंसिल, अब I3 क्या कर देना, फिर आप फिर देख डिविडेंड डिवाइड कर दें हम लोग, 0 0 0 0 कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो माइनस और 4 से देखो उसके बाद डिवाइड कर दें, -4 I2 + 8 - 4 - 4 I3 क्या लिख दें I1 + I2 बराबर हो जाए 0, इक्वेशन ये थर्ड बन जाएगी। अब देखिए I1 I2 की इक्वेशन एक ये है और I1 I2 इक्वेशन एक ये है, तो सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड सेकंड थर्ड सॉल्व कर लेंगे, तो I1 वैल्यू आप देखिए, अब हमारी I1 आएगी -0.4 सॉल्व कर लेंगे आ जाएगी, ठीक है सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है,
4 से और डिवाइड कर दें तो और काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन छोटी छोटी कर देनी चाहिए, इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसमें लेकिन 4 से अगर डिवाइड और हो जाएगा। अब यहाँ बहुत आज कॉल हो जाए इसलिए कर नहीं रहा हूँ, 4 डिवाइड कर दें 4 इसमें, इसमें देखिए बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत छोटी क्वेश्चन बन जाएगी सेकंड थर्ड, वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगला क्वेश्चन 5 ये हिट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 इमरजेंट टेंपरेचर वाला क्वेश्चन है, इस टाइप से होता है एक्चुअली। क्या होगा डिफरेंस लेके आधा कर दो आप, न्यूट्रल टेम्परेचर निकलता है टी आई माइनस टी कोल्ड अपॉन 2, ये आप निकालो कि 270 आएगा, 270 ठीक है, ये 270 हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 यहाँ के बजाय इसको 10 यहाँ कर दिया, ये नया न्यूट्रल कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, ये कितनी कर लो 10। तो देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर नहीं बदलेगा, न्यूट्रल टेम्परेचर वही रहेगा जो पुराना है, कितना रहेगा 270, लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर बदल जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, इसका देखिए डिफरेंस किया जाए, इसका देखा 270 में से अगर 10 माइनस कर दें ये बनेगा 260 ठीक, जितना डिफरेंस ये होगा उतना ही डिफरेंस नया हाँ नया इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा ये होगा नया टेम्परेचर, ये इन्वर्जन कितना होगा निकालते हम लोग, 270 में ये डिफरेंस जो है 260 जोड़ देंगे, क्योंकि जितनी चीज ये है सेम चीज ये होनी चाहिए, तो नया इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा ये नया इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा 270, ये तो वही था, ये सेम रहेगा न्यूट्रल टेम्परेचर प्लस ये डिफरेंस ये है 260, ये हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका 530 आ जाएगा ठीक है। तो नया न्यूट्रल टेम्परेचर पुराने के बराबर रहेगा, लेकिन नया इन्वर्जन टेम्परेचर बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 530 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 पे अब जैसे पावर लाइन ये है ऐसे ठीक है, साउथ है हम लोग ऐसे प्लेन में बनाते हैं लोग, ये ऐसे मान लिया, ऐसे मान लिया साउथ ये होता है ऐसे, और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये ऐसे। तो अगर मान लिया ऐसे लेते हैं हम लोग, मान लिया इसको प्लेन आप पेपर देखते हैं ऐसे ऐसे ठीक है, तो करंट आपकी हम ऐसे देखा जाए प्लेन ऑफ पेपर में हम लोग कैसे लेते हैं, प्लेन ऑफ पेपर लेते हैं हम लोग तो प्लेन पेपर में हम लोग नॉर्थ साउथ ऐसे लेंगे, इस टाइप से लिया जाए ऐसे ठीक है ना, ये साउथ ही अगर ऐसे आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा। तो हम कहाँ निकालनी फील्ड, ऊपर फील्ड निकालनी है, ये पावर लाइन है इसके ऊपर फील्ड, इस पॉइंट फील्ड से नीचे ऐसे करंट वायर में ऐसे जा रही है, फील्ड निकालनी वाली यहाँ पे, यहाँ भी निकालना है, तो राइट हैंड देखिए क्या पढ़ते हैं, ये भी फल पढ़ते हैं, ये थंब क्या होगा कंडेंसर में और फिंगर उंगली कहाँ जाएंगी जिस पॉइंट फील्ड निकालनी है, तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर ठीक है वो बी डायरेक्शन होती है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये ऐसे है, ऐसे हमने दिया तो वो एक्चुअली ऐसे हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए आप ऐसे ऐसे होगा इस टाइप से, तो ये कौन सी डायरेक्शन, ये वेस्ट बैठती है, देखिए आप ये अंगूठा हो जाएगा ये साउथ करंट डायरेक्शन में और पॉइंट ऊपर है, चलिए पावर लाइन ऊपर है पॉइंट ऊपर है, ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये दिस इज ये ऐसे डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ये डायरेक्शन दिस इज वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा आंसर हो जाएगा वेस्ट भी ठीक है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट देख लो, ये फिगर दे रखा है लूप है
एक रेडियस आर वाला लूप है, एक रेडियस टू आर वाला लूप है, ठीक है ना। इस टाइप से ऐसे करते हैं। ऐसे है, ठीक है। उसके बाद यहां से ये रेडियस, ये थ्री फोर सर्किल है, दिस रेडियस आर, जो आर रेडियस वाला है, करंट आपकी आई जा रही है, और ये रेडियस आपकी एक्चुअली ये टू आर वाला सर्किल है, ठीक है। ऐसे दिस रेडियस इज टू आर, ओके, दिस इज रेडियस टू आर है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी टू आर है। तो ये एक्चुअली करंट ऐसे जाकर ऐसे आकर ऐसे और ऐसे करके ऐसे जा रही, करंट सेम वही है। ये ओ, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे फील्ड हमें चाहिए, फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये पहला वाला लूप है, ये दूसरा वाला लूप है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, पूरा एक टर्न की सर्कुलर लूप एक टर्न है। फॉर्मूला सेंटर बी कितना होता है, बी फॉर्मूला याद रखिए, म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर, ये एक टर्न का पूरा एक चक्कर का। अगर एन टर्न है तो इसी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, एन कर देना चाहिए। तो हम याद बैठ फॉर्मूला से, एक टर्न का फॉर्मूला ये है, इसी से कितने भी एंगल का काम पड़े तो बन सकती है। यानी बहुत फार्मूले आप याद नहीं रख पाएंगे एग्जाम में, कम फार्मूले कम समय याद होने चाहिए, बाकी फार्मूले उसी बना लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए थीटा एंगल के लिए चाहिए, तो इसी से काम बना, पूरा चक्कर क्या होगा कि 360 डिग्री की एंगल से बनाएगा पूरा चक्कर, तो फील्ड कितनी होगी, ये अगर कोई ये डिग्री है, तो अगर 60 डिग्री के लिए चाहिए, मान लीजिए कोई इतना इसकी वजह चाहिए हमें 60 एंगल की वजह से, फील्ड कितना होगी यहाँ पे, तो बस यूनिटी मेथड से निकालोगे आप लोग, 60 इनटू म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर अपॉन 360। पर ध्यान रखिए, अगर ये डिग्री में तो ये भी डिग्री में, ये रेडियन में तो ये रेडियन में, तो इसी से कितनी, इसमें कितना चक्कर है, 3/4 तीन चौथाई चक्कर है। तो हम क्या करेंगे, एक चक्कर फॉर्मूला इनटू 3/4 कर दिया हमने, फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट लूप की वजह से 3/4 जितना क्या है 3/4 है। अब इसमें वैल्यू रख दें हम लोग, दिस b1, b1 क्या होगा, पहले लूप की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट बाय 3/4, ओके, 3/4 म्यू नॉट बाय 2 और i बाय रेडियस कितनी, कैपिटल r होगी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे राइट हैंड से आप ये उंगली का ऐसे घूम रही करंट डायरेक्शन में, और ये डस्ट देख रहा, ये होगी प्लेन के परपेंडिकुलर और ऐसे ऐसे डाउनवर्ड, ओके, इधर हो जाएगी फील्ड उनके डायरेक्शन, तो चिप डाय और वही डायरेक्शन। अब इस दूसरे की वजह से ये कितना है, 1/4, तो एक पूरे फार्मूला 1/4 कर देंगे हम लोग, b2 दूसरे की वजह से फील्ड कितनी होगी, 1/4 इनटू म्यू नॉट बाय 2 और i बाय रेडियस कितनी 2r हो जाएगी। डायरेक्शन इसकी भी वही होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। नेट फील्ड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन है, b1 प्लस b2, तो b नेट, ओके, ये सीधे आप जोड़ देना b1 प्लस b2, बस आंसर आपको आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, ये सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया हमने, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो डोमिनेट कौन करती, जो फील्ड बड़ी होती, और रिजल्ट क्या होता, बिग माइनस स्मॉल, डायरेक्शन किसकी होगी, जो बड़ी वाली की होती, तो डायरेक्शन के हिसाब से हमें नेट फील्ड पता चल जाती है। ओके बच्चों, ये छोटी छोटी बातें फंडे क्लियर है तो एग्जाम में बहुत काम आसान होगा, फंडे क्लियर नहीं है तो ये चीजें मुसीबत बन जाती हैं। क्वेश्चन होते छोटे छोटे हैं, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ना होने से वही क्वेश्चन बड़े रहने लगते हैं। बहुत आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए, करते जाना चाहिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन 8 देखिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि डायरेक्शन जो फील्ड परपेंडिकुलर, फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है, और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, समझ ले आप, ठीक है। तो ऐसा जब ऐसी बात है तो कौन सा रास्ता होगा, सर्कुलर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूसीएम होगा। यूसीएम क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट, यूसीएम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं आप लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होगी, बस यही बताना था। स्पीड क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी
बी के परपेंडिकुलर है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज करेगी, ठीक है, इतनी बात बतानी थी केवल, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस टाइप से ऐसे साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर 2 cm एंड 3 cm, ठीक है, कितने टर्न्स हैं 10 टर्न्स है, करंट कितनी 1 एम्पियर, हाँ प्लेन। अब देखिए टॉर्क, टॉर्क बताना है, टॉर्क फॉर्मूला क्या है, एम क्रॉस बी, पूरा फॉर्मूला वेक्टर वाला याद होना चाहिए क्योंकि वेक्टर वाले फॉर्मूला का से मैग्नीट्यूड का भी बन जाता है, अगर मानी वेक्टर क्वांटिटी दे रखी उन्होंने आई जी के फॉर्म में तो ये फॉर्मूला ही क्यों काम करेगा, अगर न्यूमेरिकल की बात है तो टॉर्क क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा थीटा कौन सा एंगल है इनके इनके बीच का, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट थीटा कौन सा, ये बात समझ लीजिए, पता मुझे थीटा है क्या, एंगल बिटवीन एम मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो चीजें फार्मूले में आ रही है इनके बीच का एंगल है थीटा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और ये बी के बीच का, अब देखिए, अब देखिए जरा देखिए एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, मान से क्लियर है कि अब देखिए प्लेन, अब जैसे ये होती ये कॉइल है, ये रेक्टेंगल समझा आप, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई, तो प्लेन क्या है, अब देखिए प्लेन तो एम की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए ये जिस मान ये है तो एम की डायरेक्शन जिस करंट ये है ना, एम क्या होता है एन आई ए, एन आई ए एम एन आई ए होता है निकाला जाता है, ठीक है ना, तो इसमें देखिए एम की डायरेक्शन क्या होगी, अब जिस करंट ऐसे बढ़िए से तो आप करंट डायरेक्शन घुमा दीजिए, अब इसमें ये अगर ये है ये हमारी कॉइल है, ठीक है, करंट अगर ऐसे बहेगी तो करंट ऐसा आप देखिए तो एम की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी एम की डायरेक्शन, ये होगी आपका, ठीक है ना, एम की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, देखिए आगे एंगल, प्लेन, अब देखिए प्लेन, हाँ तो प्लेन, अब प्लेन तो एम की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन परपेंडिकुलर होगी, पक्की बात है, एम की डायरेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर होगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अब इसमें, अब तो इसमें एम 60 के बीच दिया है प्लेन और बी के डायरेक्शन, तो हम अगर प्लेन लिखिए प्लेन तो प्लेन के नॉर्मल देखें क्या होगा, अभी एक समझिए आप ये कि ये मान लीजिए बी है और प्लेन आपका ये है, ये प्लेन है, ये एंगल 60 डिग्री, ये क्या है प्लेन, और एम की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन की परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन होगी एम की, ये तो ये एंगल कितना, ये 90 डिग्री टोटल, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, क्योंकि एम की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन एम की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, तो इसमें क्या दिया है कि प्लेन के साथ बी की डायरेक्शन कितनी, कितना एंगल है 60, ये 60 है, ये बी की डायरेक्शन है तो प्लेन का एंगल कितना है 60 है। हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें प्लेन के नॉर्मल देखें क्या है, प्लेन का नॉर्मल मान एम की डायरेक्शन ये होगी, एम की डायरेक्शन और बी के बीच का एंगल चाहिए, ये हमारा आएगा 30, तो थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा की वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ये ध्यान देने वाली बात है, जल्दबाजी में थीटा 60 कर देंगे सब गड़बड़ हो जाएगा मैटर, ठीक है, टाउ होगा एम बी साइन थीटा, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, फिर इसके लिए देखना पड़ेगा एम की डायरेक्शन क्या होगी, जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ऐसे करंट बहेगी तो ऐसे होगा, ऐसे करंट बहेगी तो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो देख सबको दिया है टॉर, हाँ टॉर का एम लिखा सबको दे रखा, टॉर क्या होगा एम, एम माने क्या है एन आई ए, एन आई ए एम बराबर होगा एन आई ए, एन आई ए एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 3
इनटू 2 इनटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग रखते जाए वैल्यू n m b, n कितना है 10, i i कितनी 1, एरिया कितना है वो 3 इनटू 2 10 पावर माइनस 4 और b b कितना 0.2 इनटू साइन कितना साइन 30 डिग्री। देखिए सॉल्व करें, सॉल्व कर देते पूरा। अब देख साइन 30 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बची बात ही 0.2 की, 0.2 पॉइंट 10 कैंसिल हो गया, तो 6 इनटू 10 पावर माइनस 4 हो गया न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन भी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछो 10 पे, ठीक है? तो इसमें अच्छा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे करती, कहां से एन से निकल के साउथ में जाती बाहर और अंदर जाएंगी साउथ से एन की ओर। तो अगर ये मैग्नेटिस्ट है ऐसे, मानी एन है ये एस है, तो ऐसे निकलेगी ऐसे और ऐसे ऐसे इधर चलेंगे ऐसे ऐसे और अंदर जाएंगी ऐसे इस टाइप ऐसे ऐसे इधर से इधर हो जाएंगे ऐसे इधर ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आपका इस फिगर मैच कर रहा है वाला, कौन सा फोर्थ फिगर डी वाला मैच कर रहा है आपका। क्वेश्चन 11 में आते हैं, हाँ इसमें देखिए तो ईएमएफ भी पैदा हो रहा है, ठीक हाँ। देखिए दोनों कॉइल के बीच में दो कॉइल है, चलिए यूट्यूब है, दो यूट्यूब है, चलिए ठीक है। तो अगर एक मूव करती तो बीएलवी पैदा होता, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी दोनों बीच देखे जाए दोनों ट्यूब के बीच में, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 2v, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा 2BLV हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 2BLV, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है BLV sin थीटा हो चली होता है, थीटा आपको 90 डिग्री है और दो रिलेटिव वेलोसिटी दी जाएगी दोनों ट्यूब के बीच में, तो रिलेटिव वेलोसिटी दी जाएगी 2V हो जाएगा, क्योंकि बी इधर है एक बी एक बी सी इधर चले एक बी प्लास्टिक ही चले, तो रिलेटिव प्लास्टिक हो जाएगी, रिलेटिव प्लास्टिक हो जाएगी 2V के बराबर, तो तीन निर्देशों के और डबल हो जाएगा 2BLV। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पावर लॉस, हाँ देखिए पावर लॉस में देखिए वी का फॉर्मूला दे रखा, वी बराबर दे रखा टेन और साइन ठीक है, क्वेश्चन क्या होगी v बराबर v नॉट और साइन ओमेगा t, ओमेगा फील्ड कितनी हो गई 14 हो गई 314 हो गया। पावर लॉस क्या होगी, पावर जो होगी vrms और irms into cos phi हो जाएगा, cos phi क्या होता है r / z, फिगर कैसे होता, फिगर ये होता है आपका देखिए फार्मूला, phi होगा r, ये R हो गया एक्चुअली XL माइनस XC हो जाएगा और ये R हो जाएगा और ये होगा डेटा का, ये फार्मूला आपको फिर डिफरेंस चला याद होना चाहिए, पता होने से यार भी ठीक है। तो देखिए cos phi क्या होगा R / Z, Z इंपीडेंस, XL XC निकालना बात नहीं, XL क्या होगा ओमेगा L हो जाएगा, XC क्या होगा ओमेगा C 1 ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी ठीक, ये होगा एक्स सी हो जाएगा। फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा एक्स एल एम एक्स सी, एक्चुअली ये होता है ऐसे कि जो बड़ा है छोटे माइनस कर देते, इस टाइप से ऐसे होता है एक्चुअली ठीक है। अगर एक्स एल बड़ा है तो बड़े छोटा माइनस कर देंगे ठीक है,
इससे आप एक्सेल एस सी निकालना प्रैक्टिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ओमेगा की वैल्यू ये है, सी वगैरह मालूम है हमको सब, ठीक है, आर मालूम ही है, आर 50 ओम दे रखा है और मिली मिली हेनरी को हेनरी बदलना पड़ेगा, ये एल कितना दे रखा है जिस 20 है 20 मिली हेनरी हेनरी बदलना पड़ेगा, माना सही हो जाएगा नहीं हेनरी होता है एमपीएस, माइक्रोफेरेड फैक्टर में बताना पड़ेगा, सी कितना है 10^-4 फैराड हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन करके यहाँ पे अब देखिए इसमें वी आर वी ए वी नॉट है, वी नॉट कितना 10, वी नॉट कितना 10, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा 10/√2, तो आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस होगा वी आर एम एस अपान जेड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बदल करके क्या करें हम लोग इसको बदल सकते हैं, वी आर एम एस आर एम एस को हटा दें तो फार्मूला ये हो जाएगा पी एवरेज का, ठीक है, वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपान जेड इंटू आर बाई जेड, ये हो जाएगा वी आर एम एस, हमें मालूम ये 10/√2, तो ये आर बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये सब मालूम है बस ये निकालना पड़ेगा आर जेड निकालना पड़ेगा, आर मालूम ही है, जेड कैसे निकल गया यहां से, जेड कैसे निकलता है √R² + XL − XC का पूरे का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है, तो कैलकुलेशन है अब ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा नहीं लेकिन वहां और थोड़ी कम कैलकुलेशन दी जाती है, लेकिन घबराने वाला क्वेश्चन नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें और कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए 13 वाला, क्वेश्चन 13 नहीं बच्चों, क्वेश्चन 13 में 13 क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, अच्छा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एक्सएल कितना है, एक्सएल दे रखा 20 ओम, और जब सप्लाई सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो जब 100 हर्ट्ज होगी तो एक्सएल बदल जाएगा, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल माने 2πn × n, अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो नया एक्सएल क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, मतलब हो जाए 2×20 = 40 ओम, यही काम करेगा क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज है, नया एक्सेल कितना होगा 40 ओम हो जाएगा, क्यों, अब तो हमें सप्लाई वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, तो आई आई निकालना आई आर एम एस क्या होगा वी आर एम एस अपान जेड, ई आर एम एस कितना है 200 × 200, जेड हमें और निकालना है, अगर जेड मिल जाए तो जेड क्या होगा, मानते हैं जेड बराबर होता है R² + XL² इसमें एक्स है नहीं अकेले एक्सएल है, ठीक है, तो आर कितना है, आर दे रखा 30 × 30² + 40² 3/4 समझो 3/4 5 इसका होगा 50 ओम, ओके, ये हो गई इंपीडेंस की वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं जेड की वैल्यू, यहाँ रखते हैं हम लोग, तो आई एम एस आर एम एस करंट की आर एम एस वैल्यू हो जाएगी 50 बराबर 4 एम्पियर, यही हमें चाहिए था 4 एम्पियर, ये आंसर आपका हो जाएगा, ओके, अब कुछ आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या किया है, 2 λ डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ रेशियो चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक तरफ पर्सन है, पर्सन का मास दे रखा है 66 kg, और स्पीड दे रखी है इसकी 100 km/h, ठीक है, इसकी डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ लैम्डा क्या होगी, H/T, और P क्या होता है,
सी होता है अंडर टू के एम सेक्टर पढ़ाया गया आपको, ये मोमेंटम और इनर्जी वाले सेक्टर में ये रिलेशन याद होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, पी बराबर अंडर रूट टू के एम, के क्या काइनेटिक एनर्जी, एम क्या है मास, इससे हम लोग पी निकाले यहाँ रखे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की का मोमेंटम नहीं मालूम, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम है, तो इसी में हम लोग रख दें एच अपान अंडर रूट टू के एम। ये बात किसकी हो रही, ये बात हो रही इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ हो जाएगी, बाद में रखेंगे हम लोग, पहले इसकी हमारी क्वेश्चन बन रहे हैं बाद में रखेंगे, ठीक है। अब रही बात उसकी मोमेंटम, मैन का मोमेंटम क्या होगा, एम बी टी मास इनटू मोमेंट प्लस टी, तो लैम्डा आपको हो जाएगा पर्सन, रंग क्या होगा एच, एच अपान यहाँ हो जाएगा एम बी, एम बी ये क्वेश्चन समझा, दूसरी हो जाएगी दोनों पर रेशियो चाहिए इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डिवाइड बाई पर्सन का लैम्डा, तो डिवाइड कर दें हम लोग इक्वेशन अपन वन अपन इक्वेशन नंबर टू, वैल्यू रख देंगे बाद में, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा पर्सन अंडर रूट टू के एम। हाँ इधर की ये एम क्या है, ये पर्सन का मास है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, चलिए आप सोचेंगे यहाँ दोनों जगह आ रहा है इसलिए मैंने अंतर लिख दिया, एम पी माने इलेक्ट्रॉन का मास और पी माने पर्सन का मास, ओके। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, देखिए ये सब रखते हैं यहाँ वैल्यू रख लेंगे आप लोग, पर्सन का मास इंटू पर्सन की वेलोसिटी, इस वेलोसिटी किस पे रखना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो ये पता होना चाहिए आपको 1 किलोमीटर पावर इक्वल कितना होता है 5.3 मीटर पर सेकंड होता है, ये कन्वर्जन वाली चीज आपको याद होना चाहिए, हमेशा काम पड़ता है, ओके। किलोमीटर पावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का फंडा क्या है, 5.18 मीटर पर सेकंड, यहां चेंज करना पड़ेगा और सब ओके, एच कैंसिल हो जाएगा, ये हमने लिखी दिया मास पर्सन का मास वेलोसिटी पर्सन की, और ये क्या क्या काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेंगे ए इनटू, अब याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन सब धारा ना, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही वैल्यू होती है, उतनी बस जूल हो जाती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस मच जूल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे इसको हमें जूल में बदलना होगा, बाकी भी सोल्यूशन दे रखा है, पूरी कैलकुलेशन सोल्यूशन दे रखी है, यहाँ हमने बता दिया आपको वैल्यू रखनी की और कुछ नहीं करना, ठीक है। और देखिए आंसर, आंसर में काफी गैपिंग दे रखी है, आंसर पावर काफी पास बहुत पास पास नहीं काफी दूरी पे है, 1 × 10⁴ है, 1 × 10⁷ है, 2 × 17 है, तो आंसर बहुत एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ये आंसर पहले देख लेना चाहिए ऑप्शन देख करके कि आंसर बहुत पास पास है दूर दूर है, तो आंसर जानबूझ के काफी क्वेश्चनों में आंसर आपको दूर दूर मिलेंगे, बहुत फाइन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, टाइम से इतना होता नहीं, इसलिए आंसर जानबूझ करके थोड़ा गलत कर दिए जाते हैं, ओके। कैलकुलेशन बहुत टाइम से बच पाए कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15, इसमें क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट फोको फोटो सेल से पहले 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 50 सेंटीमीटर इस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वी नॉट, ठीक, उसके बाद दूरी कर दी 25 cm, तो कह रहे हैं नया स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, देख स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, ये ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ये फार्मूला होता है, ये गिरने वाली एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी जो फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है माइनस वर्क फंक्शन, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है। अब इससे दूरी से क्या फर्क पड़ता है, इससे इंटेंसिटी चेंज होती है, इंटेंसिटी वाली चीज यहां कहीं नहीं आ रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, और ये दूरी से क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा,
जो पुराना था वही नहीं रहेगा, नया ही रहेगा। तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जो फर्स्ट में वही सेकंड में। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और दूरी से इंटेंसिटी बदलेगी और एनर्जी नहीं बदलेगी, वो केवल डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। गिरने वाली फोटोन की एनर्जी माइनस पावर फंक्शन इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, जिस वी नॉट को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पुराना था वही नया भी रहेगा, दूरी बदलने से उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, दो न्यूक्लियाई हैं, वो दोनों न्यूक्लियाई ए और बी, दो न्यूक्लियाई ए और बी टूट करके नया न्यूक्लियाई बनाते हैं सी। ये ब्रेक होंगे, ये न्यूक्लियाई टूटेंगे, ये न्यूक्लियाई टूटेंगे, कौन से ए और बी दोनों टूटेंगे, और इसका फॉर्मेशन होगा, ये बनेगा नया न्यूक्लियाई बनेगा, और मास डिफेक्ट दे रखेंगे, मास डिफेक्ट है डेल्टा एम ए, डेल्टा एम बी और डेल्टा एम सी। देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस जब टूटता है तो मास डिफेक्ट होता है, मास पे कमी आती है, तो एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियस ब्रेक होगा, अगर ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इनफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बनेगा, ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बनेगा तो एनर्जी रिलीज, एनर्जी निकलती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, न्यूक्लियस जब बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मास में कमी आती है, मास डिफेक्ट इसको कहते हैं, मास में कमी आती है उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेट एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई, नेट रिलीज एनर्जी दिया क्वेश्चन में बराबर डेल्टा ई। एक्चुअली सी, सी के बनने में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि सी न्यूक्लियस बन रहा है, तो एक एक देखें एनर्जी रिलीज कितनी, एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ सी कितनी होगी, एनर्जी रिलीज कितनी होगी, डेल्टा एम, डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर, एनर्जी बराबर होता है mc स्क्वायर, मास में जो चेंज आता है mc स्क्वायर, तो वही c वाला न्यूक्लियस बना, c न्यूक्लियस बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा mc into c स्क्वायर, c के स्पीड ऑफ लाइट है, और a न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो एनर्जी सप्लाइड हम लिखेंगे, एनर्जी नीडेड, एनर्जी सप्लाइड, यहां लिख देते जगह की कम है, एनर्जी सप्लाइड एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या ए को तोड़ने में और बी को तोड़ने में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, डेल्टा एम इंटू ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डेल्टा एम बी इंटू सी स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी निकलेगी तो नेट रिलीज कितनी हुई, दिस माइनस दिस, ये हमें निकलेगी और इतनी देनी पड़ेगी, और ये दिया फाइनल क्या दे रखा है, नेट रिलीज एनर्जी है डेल्टा ई, तो हम लिखे नेट रिलीज एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ये
सबट्रैक्शन कर देते हैं, डेल्टा एम इंटू ए इंटू सी स्क्वायर माइ प्लस डेल्टा एम बी इंटू सी स्क्वायर। और ये नेट रिलीज एनर्जी है कितनी, ये डेल्टा ई के बराबर है। यहां लिखते हैं हम लोग डेल्टा ई इक्वल टू दिस मच, ये डेल्टा ई बराबर ये, इसी को बस एक स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर दें और जिस फॉर्म में इन्होंने दे रखा ऑप्शंस में उसी हिसाब से मैच कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ए और बी को एक तरफ लिख रखा है और सी वाले को उधर लिखा है, तो हम ऐसे करते हैं ये जो टर्म दोनों हैं इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में और वो बाकी उधर रहने दें और ये वाला टर्म उधर ले जाए राइट हैंड साइड में। ये जो टर्म दो दे रखे हैं इसको हम एलएचएस में ले जाते हैं और एलएचएस वाले टर्म को राइट में ले जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस में जैसे दे रखा है इस हिसाब से। तो देखिए हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एम ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डेल्टा, चलिए देखना आंसर जरूरी है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है इसलिए मैं इसको नया पेज में नहीं लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर बिल्कुल क्या हो जाएगा ये डेल्टा एम सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डेल्टा ई, अब क्या करें सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये सी स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये सी स्क्वायर गायब हो गया, ये सी स्क्वायर गायब हो गया और ये सी स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, इस हिसाब से फर्स्ट आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कोई भी जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका अपोजिट जब मतलब हाँ जो कोई जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, एक याद रखिए, तो ब्रेक होगा तो एनर्जी में सप्लाई करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, इतना याद रखिए, अपोजिट में देनी पड़ेगी। क्वेश्चन 16 के बाद 17 क्वेश्चन, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन दे रखा मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये नहीं है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन है ही नहीं तो मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाएगा, और नहीं तो ज्यादा हो तो क्या होगा, मास नंबर हमेशा मतलब कभी ज्यादा भी हो सकता है मास नंबर किससे, एटॉमिक नंबर से। तो यहां लिख दें, यहां पे क्या लिख दें, ये यहां लिख दें एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पे आप लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और प्लस ये हम लिख दिए आपको एक स्टेप में मास नंबर जो होगा इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब इस क्लियर है, मास नंबर एटॉमिक नंबर से ज्यादा भी हो सकता है, क्यों, अगर ये भी होगा पक्का ये बात इससे ज्यादा होगी, अगर मान लीजिए ये चीज जीरो है न्यूट्रॉन सही नहीं तो मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे ही होता है तो ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसलिए 17 का फोर्थ आंसर मैच करेगा। इसी साथ देखिए छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 देखिए, पोटेंशियल वेरिएंट डिप्लीशन लेयर में किसकी वजह से होता है, आयन की वजह से होता है, थ्योरी क्वेश्चन है ये, थ्योरी पॉइंट आपको याद होना चाहिए सेमीकंडक्टर चैप्टर में। टीम में कहा पोटेंशियल वेरिएंट डिप्लीशन लेयर किस वजह से होता है, आयन की वजह से। ठीक है, थ्योरी पॉइंट है याद रखिए, क्वेश्चन 19 में आते हैं
19 के फिगर बना देते हैं, 19 फिगर देखिए, सप्लाई बैठी है, ये R1 है, इसका नाम दे रखा है मानो R1 कितनी है 500 ओम, इसका नाम R3 है, ये कितनी है 1500 ओम, ये डायोड है, ये U2, ये V2 है 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है R2 ने वैल्यू नहीं रखी छोटी, ठीक है ऐसे ऐसे रखा है, ठीक है। करंट पूछिए करंट कितनी होगी जीरो डायोड से। अब देखिए मान लीजिए हम लोग अगर ब्रेक डाउन मान लें, जीरो डायोड ब्रेक डाउन हो रहा है ना, अगर इफ वी कंसीडर, ठीक है देखिए क्या बात है, कंसीडर ब्रेक डाउन, जीरो डायोड ब्रेक डाउन कंसीडर करते हैं क्या होगा, इसमें 10 वोल्ट ड्रॉप है, ये 10 वोल्ट इसमें हो रहा है, तो ये इसमें इसमें वही पैरेलल में है ना, इसमें भी 10 वोल्ट की ड्रॉप होगा 1500 ओम में, ठीक है। करंट ये मान ली करंट यहां पे भी मान ली I1, इसमें करंट मान ली I3, तो I3 वैल्यू कितनी होगी, I3 की जो वैल्यू होगी 10/1500 हो जाएगी, मतलब 1/1250 हो जाएगा, और पावर सप्लाई कितना है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट इसमें हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा, इसमें 2 वोल्ट बचेगा, तो I1 कितना होगा 2/500 मतलब 1/250, अगर देखें I3 I1 देखें कौन बड़ा है, I3 बड़ा है, I3 की वैल्यू I1 से बड़ी है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, I1 हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि I1 की तो वैल्यू 2 बटे 8 हो रही है, नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब इसका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है जीरो डायोड का, तो जीरो डायोड किस में, रिवर्स बायस में, इसलिए जीरो डायोड में करंट कितनी हो जाएगी जीरो, ब्रेक डाउन हो नहीं रहा है तो जल्द करंट हो जाएगी जीरो। अगला क्वेश्चन देख बच्चों, क्वेश्चन 20 में दो प्लेन में रखा है, कितने एंगल रखा जाए कि तीन इमेज बने, इमेज क्या है, इमेज को और नंबर, तो इमेज फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एन बराबर लगाएंगे हम लोग 360/θ-1, क्योंकि इवन है वो ऑड है, थीटा क्या है दो प्लेन में के बीच का एंगल, एन की तरह का 3 बराबर हो जाएगा 360/θ-1, तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, डिग्री में है ये, थीटा भी डिग्री में होगा, उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फिगर आप सामने है, और चार डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की लेयर्स रख, पहले लेयर्स रखी हैं, उनके म्यू दे रखी म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, तो देखिए पहले मीडियम से मेरे जो रे आ रही है वो AB है, और लास्ट मीडियम से रे पास हो रही है वो CD, तो कह रहे AB CD के कब पैरेलल होगी, तो तब पैरेलल तब होगी जब उन दोनों के म्यू आपस में बराबर हो, मतलब म्यू 1 बराबर म्यू 4, कॉमन सेंस है ना ये चीजें, आप रिजल्ट बहुत तुरंत पता होना चाहिए, ये रेस पैरेलल तभी होंगी जब आपस में इनके म्यू बराबर होंगे, तो होगा μ1 = μ4। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 22 20 क्वेश्चन, प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स मिरर लेंस का है,
दोनों कॉन्वेक्स लेंस 22 यहाँ पे ये सरलीकरण का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। रेडियस करो कितना दे रखा है, आर दे रखा 30 cm, तो ये सरलीकरण वाला केस है। ये कैसे बिहेव करेगा, कान के मिरर तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स जस्ट कान के मिरर, ओके। ये सब सेलोरिंग पढ़ाया जाता है, कान के मिरर। फोकल लेंथ क्या होगी, ए बराबर हो जाएगा माइनस आर बाय टू में, ठीक है। तो ये बताना है मिरर को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बन जाए, ठीक है। तो देखिए पहले निकालिए फोकल लेंथ, जो कॉनकेव मिरर तक बिहेव करेगा उसकी फोकल लेंथ होगी कितनी, माइनस आर कितना है 30 अपॉन 2 में कितना 1.5 हो जाएगा माइनस 10 cm। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है और उसके बराबर इमेज कब बनती है, जब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं लोग, कहां पर u कितना होना चाहिए, इसकी डबल, फोकल लेंथ की डबल, u बराबर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं। ये पोजीशन याद रखिए आप इस टाइप से, ऐसे वो ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे टाइप, ऐसे यहाँ रखेंगे तो यहाँ बन जाएगी। इसका आंसर हो गया होगा 20 cm। अगला क्वेश्चन देखिए 23 वाला क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। फ्रिज विद, फ्रिज विद फार्मूला क्या है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है, इनटू, कई लोग फार्मूला याद कर लेते हैं लेकिन तो टर्म की वैल्यू नहीं याद रखते, कि टर्म की मीनिंग क्या है, टू स्लिट्स। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मतलब वहां से आपकी स्क्रीन से उसकी डिस्टेंस, प्लेट्स की डिस्टेंस, ठीक है, कैपिटल डी है। फार्मूले से कॉमन फार्मूले सब लोग जानते हैं। लैम्डा क्या, वेवलेंथ जो इस्तेमाल की गई, इसमें क्या किया उन्होंने, स्लिट स्क्रीन, इसमें क्या किया उन्होंने, सेट्स की भी डिस्टेंस आधी कर दी, डी बाय टू कर दी नई डिस्टेंस, कैप्टन भी क्या कर दिया, दुगना कर दिया, ये कर दिया, न्यू वैल्यूज है ये क्या, न्यू वैल्यूज, ये क्या फ्रिंज विद है, दिस इज फ्रिंज विद, फ्रिंज की चौड़ाई। तो नई फ्रिंज विद कितनी हो जाएगी जरा देखिए, लैम्डा तो चेंज नहीं की गई, लैम्डा वही रहेगी, यह होगी 2d इनटू लैम्डा अपॉन डी बाय 2 हो जाएगा 4 डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा, ये क्या होगी, ये हो जाएगा 4 मीटर के बराबर। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, नहीं पुरानी की 4 टाइम्स हो जाएगी, ये बातें रखी मैंने। अगला क्वेश्चन 24 देखिए,
कॉकपिट वॉर्म या सिस्टम के क्वेश्चन है, बस वेवलेंथ बदल रखी, लाइट इस्तेमाल की कि लैम्डा बदल रखी है, और अब फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर ब्राइट सेंटर से पूछी है, कहानी कौन सी है कि ब्राइट फ्रिंज है कि डार्क है, और कोई ले लो आप कोई दिक्कत नहीं है। मान ली ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस n, n ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस क्या होती है, d लैम्डा अपॉन d इनटू n, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से ये होती है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये लिखा नहीं है कि ब्राइट है जो कोई भी ले सकते हैं हम लोग, चाहे ब्राइट ले लें चाहे डार्क ले लें। अब लैम्डा आप देखिए, आप तो पक्की बात है ये yn की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और चीज तो बता ही रही कि वो लैम्डा की वैल्यू बदल रही है, इसका अनु क्या होगा y जो पूछा गया उन्होंने y नहीं उन्होंने x लिखा, इसी चीज को उन्होंने x लिखा है, तो अब x लिखते कोई दिक्कत नहीं, हमारा फार्मूला x लिखो चाहे x बराबर है, ठीक है। तो x पूछा कि x ब्लू अपॉन x ग्रीन बराबर क्या होगा, लैम्डा ब्लू अपॉन लैम्डा ग्रीन, लैम्डा हम देखें ब्लू की लैम्डा कितनी है 4, ये हो जाएगी 4 3 6 0 अपान 5 4 और 6 0, पक्की बात है। देखिए नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली चीज वैल्यू बड़ी, ये बड़ी होगी एक्स जी, तो अभी जिसे रेशियो आप देखिए, रेशियो जो दे रखा है फोर्थ वाला तो आंसर नहीं है, बाकी छोटे बड़ी बात देखें, ये ऊपर नीचे वैल्यू बड़ी है, एक्स जी की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन एक्स बी हो जाएगा, बराबर नहीं होंगे। अब देखिए ब्लू सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला होगा, ब्लू एक्स ब्लू जो है या एक्स ग्रीन ब्लू से बड़ा, एक्स ब्लू से बड़ा है, क्योंकि जल्दबाजी में ये आंसर के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो काम ध्यान से करें कौन छोटा कौन बड़ा है। अब देखिए ये वैल्यू बड़ी है तो नीचे वाली ये वैल्यू बड़ी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ध्यान रखना पक्की, या ऐसे समझे ये छोटी है ये वैल्यू छोटी होगी दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 वाला बच्चों, ये पोलराइज वाला क्वेश्चन है, पोलराइज क्वेश्चन क्या है, मैलस का फार्मूला होता है आई डैश बराबर आई नॉट, आई नॉट कितनी वाली इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है मैलस लाभ मैलस, ठीक है थीटा कितने पता ही डिग्री, ये क्या होगा आई नॉट to cos स्क्वायर 45 डिग्री या I नॉट 1 by root 2 का होल स्क्वायर, ये तो I नॉट by 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 26 देखिए, डिस्प्लेसमेंट स्पीड, स्पीड क्यों ना s लिखा है बराबर a 1 माइनस e के पावर माइनस बी एच टी, ऐसे दे रखा है, h स्पीड है x डिस्प्लेसमेंट है b की यूनिट चाहिए, एक b वाला टर्म यहां पर आता है, ये e के साथ ये जितना पूरा होगा ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, बी एच टी बराबर होगा डायमेंशनलेस होने बाद b क्या होगा, b होगा वन अपॉन एक्स टी, एस के डिस्प्लेसमेंट माने मीटर, टी क्या टाइम, टाइम माने सेकेंड, ठीक है तो क्या होगा मीटर माइनस वन और सेकेंड माइनस वन हो जाएगा एस माइनस वन, ठीक है। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसी जरूरत नहीं पड़ी, अगर एक निकालनी होती बात अलग थी,
हमें बीक निकालनी, वहां से बन जाएगा काम, जितने जरूरत उतने काम करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन 27 देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीआरटी 14 के फिजिक्स पेपर। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, दो नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, पहली नंबर ये आपकी, ओके, दूसरी नंबर है 0.0099, ठीक, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो बताना आंसर, तो बताना प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर बताना, ठीक है। देखिए माइनस कराएंगे हम लोग, जीरो जीरो करते थे, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ये वन आएगा, यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ पे एट आएगा, नाइन आएगा, और ये नाइन, ये सब करवा दिया आएगा। आंसर किसमें, आंसर कैसे देखेंगे हम लोग, इसमें देखिए डिसिमल के बाद इसमें फोर डिजिट है, इसमें फर्स्ट वाले इसमें नहीं, इसमें देखिए इतना है, एक्चुअली रियल को इसमें ये थी, इसमें डेसिमल बाद दो डिजिट है, टू डिजिट, ओके, इसमें डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 फोर डिजिट, तो जिसमें कम मिनिमम डिजिट होते हैं डेसिमल बाद, किसमें कितने हैं मिनिमम, ये 2 है, तो आंसर में भी डेसिमल बाद 2 डिजिट होंगे ओनली, और प्रॉपर हम लोग राउंडिंग ऑफ कर देंगे, तो देखिए 2 डिजिट रखेंगे तो ये आंसर आएगा 9.98 ओनली, ठीक है, इसमें डेसिमल बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, है ना, क्योंकि लीस्ट नंबर इसमें थे, इसमें ही थे, 2 डिजिट थे डेसिमल बाद राइट साइड में, ओके, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। अगला क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 इसमें देखिए एक्सीलरेशन पार्टिकल का दे रखा है, इसे से दे रखा है इक्वल टू अल्फा की प्लस बीटा, ठीक है, टाइम के साथ एक्सीलरेशन ऐसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बतानी, वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टाइम टी, एक्सीलरेशन क्या लिख सकते हैं डीवी बाई डीटी, और उसमें दे रखा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट, मतलब क्या है टी की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0, कंडीशन स्टार्टिंग में दे रखी, इसका काम पड़ेगा आगे चल के, ओके, तो एक्सीलरेशन लिख दिया ये अल्फा टी प्लस बीटा, ठीक है, अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, डीवी इक्वल टू क्या होगा अल्फा टी डीटी प्लस बीटा डीटी, इंडिकेट करते हम लोग ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक, तो देखिए क्या होगा डी, अब देखिए वेलोसिटी क्या है, टाइम, टाइम एक टाइम लिमिट क्या होगा, जब जीरो टाइम एक टाइम जीरो रखेंगे और दूसरा टाइम लिमिट होगा टी, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या पहले जीरो वाले टाइम में, तो जीरो यहाँ भी टाइम लिमिट रखेंगे जीरो एंड टी, अब देखिए जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी जीरो, यहाँ वेलोसिटी की लिमिट रखी जाएगी डी के साथ, और जब टाइम टी है तो वेलोसिटी एक्चुअली भी हमें फाइंड आउट करना निकालना है यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो लिमिट रखने की फंडा ये dt साथ टाइम की लिमिट रखेंगे और dv साथ वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे, और यहां पे dt ये भी सेम था, अब डिलीट कर दें, dv क्या होगा v, लिमिट लगाते हैं हम लोग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इक्वल टू क्या होगा अल्फा, ये आप जानते हैं मैटर कोई नया नहीं है, ठीक है, अपॉन 2, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, लिमिट लगाते हैं हम लोग 0 से t को प्लस बीटा बीटा, और यहां पे t हो जाएगा 0 से t, यहाँ क्या आएगा v माइनस 0 इक्वल टू अल्फा बाई 2, और ये क्या होगा t स्क्वायर माइनस 0 प्लस इसलिए बीटा, और ये होगा t माइनस 0, ठीक है, तो चलिए v बराबर हो जाएगा अल्फा t स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा t, यही चाहते थे लोग वेलोसिटी निकालने कितनी होगी, ठीक है, दिस विल बी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन बस एक बार पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं लिखते जाएं क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है, कार का मास दे रखा है सर्कुलर पाथ में चल रही है, रेडियस इज गिवन, ओके, तो मास की जो तो चीज पहले पड़ी नहीं, हम पहले r = 40 मीटर, और यूनिट का ध्यान रखें यूनिट किस में गिवन है, ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी 0.5, तो ये बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी चल सकती है बिना रिस्क के, ओके, तो ये सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, v = √ अंडर रूट म्यू r g, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ब्रैकेट लिख लें, ये सर्कुलर मोशन में अगर केवल फ्रिक्शन मौजूद है बैंकिंग प्रेजेंट नहीं है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेल वेलोसिटी इसको कहते हैं, दिस इज म्यू आर जी,
r is radius and mu is coefficient of friction. g g की वैल्यू गिवन नहीं है तो एप्रोक्सीमेटली निकालेंगे हम लोग 9.8 ले लेंगे कभी कभी टेंस काम बन जाता है ठीक है तो रखें हम लोग b स्क्वायर टू ये मेमोरी रखना थी ब्रैकेट मतलब ये नोट्स आप साथ बनाते चले कि हर चैप्टर्स में ये को बेसिक को फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे ओके अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0.152 इसलिए लिख देते हैं तो कन्वर्जन थोड़ा आसान रहेगी r r is 40 जी ये एक्चुअली 9.8 रखते हैं इसी से काम बन जाएगा देखिए कैलकुलेशन से बाद पता चल जाएगा अब देखिए क्या होगा ये जीरो कैंसिल कर दें पॉइंट गैप कर दें ठीक है और ये जो कैंसिल कर देंगे ये होगा 49 ठीक है क्यों क्योंकि देखिए 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 49 पूरा 4 हो जाएगा इसको कैंसिल हमने 2 से इसको कैंसिल किया इसीलिए देखिए 0.5 को 1/2 कर दिया था सिर्फ कैंसिल करने में आसान रहे तीसरा चीज है फंडा से सीखना पड़ेगा क्या बचेगा 4 × 49 ठीक है 49 अब 4 का क्या होगा 2 हो गया और 49 का होगा 7 तो आर का आंसर 14 मीटर पर सेकंड दिस इज द रिस्पांस ठीक है तो हम देख रहे हैं प्रॉपर इसका रूट निकल रहा है तो जी की वैल्यू 9.8 लिया ना कि 10 ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन गिवन नहीं है वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू सेट कर देते हैं कहां 10 लेना सही रहेगा कहां 9.8 लेना सही रहेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बच्चों 30 क्वेश्चन 30 हाँ ये सब प्रमोशन क्वेश्चन है स्पीड दे रखी है इसमें ये पूछा है म्यू की वैल्यू फार्मूला सेम लगेगा जो बात क्वेश्चन 29 में थी वही फार्मूला इसमें लगेगा सिर्फ वैल्यू दो दूसरी दे रखी है उसमें दूसरी दे रखी थी तो v इक्वल टू रूट म्यू आर जी सेम फार्मूला यहां भी एप्लीकेबल होगा जो जो वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट कर स्क्वायर रूट ले लें तो अच्छा रहेगा स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा म्यू आर जी क्या निकला म्यू म्यू इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर अपॉन लास्ट में वैल्यू हम लोग रखते हैं v 4.9 ओके 4.9 × 4.9 ठीक है कैलकुलेशन में आसान रहेगा इसको मैं अलग लिख दिया इसलिए r is radius 4 मीटर into g g 9.8 से काम पूरा हो जाए ओके क्यों क्योंकि वैल्यू देख मैच कर रही है इससे ये कैंसिल किया ये 2 हो जाएगा ठीक है और अब इसे देखिए एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हम लोग इसको देख सॉल्व करते हैं तो ये आपको 4.9 इसको 49 बना ले अच्छा रहेगा ठीक है 49 × 10⁻¹ कर दें डिवाइडेड बाई ये 8 कर दें अच्छा रहेगा सही कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान रहेगा अब देखिए 6.1 आएगा × 10⁻¹ इक्वल टू 0.61 देखिए मैंने 4.9 49 क्यों लिख दिया क्योंकि ऊपर वाली नंबर नीचे से अगर ग्रेटर हो जाएगी तो डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं होती अदरवाइज लोग डेसिमल कहां रखना चाहिए मिस्टेक कर देते हैं फर्स्ट रखे सेकंड रखे जो तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से ग्रेटर बना लेना चाहिए और उसको देख सेट करने की हमने पावर वैल्यू चढ़ा दी 10⁻¹ कर दिया 49 × 10⁻¹ करने से 49/8 का डिवाइड करना आसान किया 6.1 हो गया × 10⁻¹ अब माइनस और पावर को हमने एक्सेप्ट कर दिया वहां से आप देखिए आंसर में 0.61 के आसपास एक ही आंसर है तो बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन जरूरत नहीं केवल 0.6 से ही काम बन जाएगा क्योंकि टाइम बचाना पड़ता है एग्जाम में 0.6 के आसपास एक ही आंसर है 0.6 से ही काम हो जाएगा 0.61 भी करने की जरूरत नहीं ओके ये सब बातें एक्सपीरियंस पता चलती है कहां कितना काम करना सही ओके क्वेश्चन अगला देखिए 31 वाला 31 में क्या है एक रुपए के 10 सिक्के हैं अगर इस फिगर बनाए टाइम से इस वन एक ऊपर रखे हुए हैं ना ऐसे करके 10 सिक्के हैं पॉइंट्स ओके 1 2 ऐसे करके ये नंबर की दिस वन दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड ऐसे करके ऊपर वाला 10 ओके ऐसे एक ऊपर एक एक रुपए के सिक्के रखे गए ठीक है हर सिक्के का मास इस माले में अब कह रहे कौन से स्टेटमेंट नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ओके हर क्वेश्चन ध्यान पढ़ना चाहिए कि नॉट ट्रू ट्रू नहीं बताना नॉट ट्रू कौन ट्रू नहीं है ये हमें बताना है तो पहला इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा ऐसे में देखने पड़ेगा पहले जो आसान ऑप्शन पहले देख के फर्स्ट फर्स्ट की बात करते हैं ठीक है अब कर सिक्स कॉइन देखिए अब देखिए यहां पे कहीं सिक्स होगा जो बीच में गैप कर देते मान लीजिए यहां पे बीच में कहीं सिक्स होगा ओके सिक्स वाला होगा और टॉप में एक्चुअली ऊपर के कितने बचेंगे फोर तो फोर को हम लोग एक बिग सिक्का बना दी इस टाइप से
ऊपर होंगे, फोर कॉइन्स होंगे ऊपर, सिक्स ऊपर, क्योंकि टोटल टेन है, ठीक है, ऊपर सिक्स होंगे, ऊपर फोर हो जाएंगे, ये नीचे वाले सिक्स है, तो इनका आपस में कॉन्टेक्ट होगी चीज, ये बताना है सिक्स कॉइन के ऊपर, एक्चुअली इनके बीच फोर बताना है, इनको हम लोग क्या करें, सिक्स वाला ये हो गया, इसका एक सिक्स हो गया और ऊपर वाले का एबीडी, ये इनका कॉन्टेक्ट है, चलिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, तो ये इसके ऊपर एक्सएल लगाएगा, हम एक्सएल एक्सएल देखना है, ऊपर वाले चार कॉइन को हमने एक कॉइन बना दिया, इनका मास क्या होगा 4m, ठीक है, और नीचे वाले छह रखे सिक्स हैं, तो इनके बीच एक्सएल एक्सएल चाहिए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया नीचे, नीचे वाले फोर्स ऊपर लगाया रिएक्शन, रिएक्शन लगाएगा, ये रिएक्शन लगाएगा, तो एक्सएल की वैल्यू रिएक्शन बराबर हो जाएगी, तो हम क्या करें, हम लोग इन चार कॉइन का एफबीडी बना लें, फोर कॉइंस एफबीडी ऑफ फोर कॉइंस के ऊपर रखे हैं, एफबीडी ऑफ फोर कॉइंस, फोर कॉइंस का एफबीडी बनेगा, क्या बनेगा, एमजी फोर एमजी, फोर कॉइंस का मास 4m होगा और रिएक्शन होगी आपकी आर, फोर ऊपर वाले ऊपर कौन क्या लगेगा रिएक्शन, जैसे हम जमीन पर खड़े हैं तो हम एक्शन लगाएंगे जमीन पे और जमीन हम पे रिएक्शन लगाएगी, तो इसके एफबीडी बनेगा एफबीडी ऑफ फोर पॉइंट्स ऊपर रखें, रिजल्ट क्या है इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है जीरो, तो आर की वैल्यू क्या होगी 4mg होगी, तो उनके बीच में सिक्स कॉइन के ऊपर फोर्स क्या लगेगा 4mg बराबर होगा, और पक्की बात है इस पे सिक्स कॉइन, सिक्स वाले कॉइन पे फोर्स कहां लगेगा नीचे की ओर लगेगा, सिक्स कॉइन जो है फोर्स नीचे लगा कैसे एक्शन, तो ये बात ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए दे रखा है कि फोर्स कितना 4mg होगा और डाउनवर्ड होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें बताना इनकरेक्ट मतलब गलत बताना, ओके, और वही बात देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन देखिए, सिक्स कॉइन और सेवन, एक्चुअली सिक्स के संबंध में ऊपर वाला कौन होगा सेवन, सिक्स कॉइन ये होगी और सेवन कॉइन होगी आपकी ऐसे, ये सेवन कॉइन होगी, संपर्क किसका कॉन्टेक्ट होगा सिक्स और सेवन का ही कॉन्टेक्ट होगा, एक्शन रिएक्शन यही बता, देखिए सिक्स कॉइन पर फोर्स सेवन की वजह से, एक्चुअली फोर सेवन ही डायरेक्ट फोर्स लगाएगा, एयर्थ वाली तो इधर होगी, तो ये फोर्स कौन होगा सिक्स पे फोर्स सेवन की वजह से 4mg होगा, जो आंसर ए में आया था वही होगा और डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि एट कॉइन का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट नहीं है, सिक्स पे फोर्स कौन लगाएगा सेवन और सेवन को फोर्स लगाएगा कौन लगाएगा सिक्स लगाएगा, तो सेकंड वाला भी मैटर करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, तो वो आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट हमें बताना है, एक्शन रिएक्शन आप देखिए, अब सेवेंथ पे हाँ अब देखिए बता चुके हैं सेवेंथ वाला इस पे एक्शन लगाएगा और ये इस पे लगाएगा रिएक्शन, तो सेवेंथ सी वाला ऑप्शन देखिए, सेवेंथ पर कौन क्या लगेगा रिएक्शन लगेगा, की वैल्यू कितनी होगी 4mg होगी, रिएक्शन क्या होगी ऊपर की ओर होगी, क्योंकि जैसे जमीन में खड़े हैं तो आप अगर बात समझे तो अगर ग्राउंड ये कोई ग्राउंड मानिए और ये कोई अगर बॉडी है दिस इज बॉडी, तो एक्शन रिएक्शन समझ लें आप, हम लोग अगर इसको दोनों को अलग अलग कर लें, ग्राउंड को अलग कर लें और दिस इज अ बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा बॉडी जमीन पे एक्शन लगाएगी, एक्शन लगेगा इधर, ये होगा एक्शन रिएक्शन, और जमीन बॉडी के ऊपर लगाएगी रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन ये होगी, ये बहुत बेसिक एनएलएम के चैप्टर बेसिक मैटर है, एनएलएम में पढ़ाया जाता है आपको, रिएक्शन रिएक्शन की रिएक्शन क्या होगी, इनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, रिएक्शन क्या होगी, तो थर्ड वाला भी ओके, जब फर्स्ट भी ओके सेकंड भी ओके थर्ड भी ओके है, तो आंसर पक्की बात फोर्थ वाली आंसर होगा, इनकरेक्ट वाला फोर्थ ही होगा, अगला क्वेश्चन देखिए 32 इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रही है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स के साथ, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी किस एक्स की वैल्यू के में पोजीशन इक्विलिब्रियम में होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो देखिए इक्विलिब्रियम कब होता है फोर्स की वैल्यू जीरो,
फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। फोटो एनर्जी को कब यू लिखते हैं बुक में, तो यू लिखा जाता है या वी लिख दिया है, कोई मैटर नहीं है। तो हम लोग फोर्स जीरो का मतलब ये जीरो हो गए, डी यू बाई डी एस जीरो। डिफरेंशिएट करते हम लोग डी यू बाई डी एस जो निकाले उसकी वैल्यू करते जीरो, क्या होगा टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स क्या होगा? एक्स होगा थ्री बाई टू मतलब 1.5 मीटर। इस एक्स की वैल्यू पर इक्विलिब्रियम सिस्टम किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब उस पर फोर्स जीरो होगा। ओके, यही बात पूछी थी क्वेश्चन नंबर 32 में। अगला क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन किसका है? अमाउंट ऑफ इनर्शिया वाले मीटर का है। इसमें क्या है? दो रॉड है, एक रॉड इस टाइप की है और जेंटल स्टेप पोजिशन में है, एक रॉड इस टाइप की है, टी से बना रहे। ओके, दो रॉड मिलकर के मानी दिस रॉड नंबर वन, दिस रॉड नंबर टू। दोनों का मास कितना है? दोनों का मास स्मॉल एम है और लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज कैपिटल एल। तो किसके बताना है? इस एक्सिस के बाउट, ये एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस। इस एक्सिस के बाउट हमें आई बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, अबाउट गिवन एक्सिस, एक्सिस दे रखी है उसके बाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए क्या होगा। तो इसके लिए समझ लें, जैसे दिस इज रॉड, रॉड में थिन रॉड, जब तक कुछ कहा जाए रॉड थिन मानते हैं, रॉड इज थिन। तो अगर आपको जिसे आप लोग फॉर्मूला याद रखते हैं एमएल स्क्वायर बाय टर्म, वो क्या होता है? वो जो वैल्यू होती है एमएल स्क्वायर बाय टर्म, वो इसके अबाउट होती है एक्चुअली, ये इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल मास से पास हो रही एक्सिस और इस रॉड के परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे रॉड इसमें रखी दिस प्लेन में, तो एमएल स्क्वायर बाय टर्म इसके अबाउट होती है। इस एक्सिस आप देख रहे हैं, ये दिस पॉइंटर जो है इस सेंट्रल मास से गुजर रहा, पास हो रहा है और यहां ऐसे इस प्लेन पर परपेंडिकुलर जिस प्लेन पे रॉड रखी है, इसकी वैल्यू होती है आई होती है एमएल स्क्वायर बाय टर्म। अगर आपसे पूछे कोई एक्सिस ऐसी है जो इसके लेंथ के पैरेलल है और इस सेंट्रल मास गुजर रही है, तो इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जीरो। समझ लें आप, तो इसमें देखिए आप रॉड नंबर वन से एक्सिस है वो की बात है, आई क्या देगा? आई की वैल्यू होगी एमएल स्क्वायर बाय टर्म, क्योंकि उसकी तो आई आई वन पहली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो होगा एमएल स्क्वायर बाय टर्म। और दूसरी रॉड देखिए, दूसरी रॉड क्या है? वो जो एक्सिस है वो लेंथ के पैरेलल है और सेंटर मास गुजर रही है, तो दूसरी रॉड का आई टू कितना होगा? वो होगा जीरो। इसलिए नेट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट आई होगा, आई वन प्लस आई टू होगा, घूम रहा है और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दो दे रखी है। ठीक है, तो देखिए दो डिस्टेंस है 8 × 10^12, बाकी बात है मैक्सिमम डिस्टेंस है मीटर में है और दूसरी 1.6 न्यूटन पावर का। ठीक है, कह रहे हैं कि नियरेस्ट द मिनिमम डिस्टेंस, यहां जस्ट इस डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस का मानी है, तो वेलोसिटी दे रखी है वो 60 मीटर पर सेकंड और इस पर वेलोसिटी बनानी, ये वेलोसिटी का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी पता नहीं। तो देखिए इस सन वाले सिस्टम में, सन प्लैनेट को सिस्टम कॉमेट सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब क्या होता है? m v r इक्वल टू कांस्टेंट, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, बदलता क्या है? v बदलता है r बदलता है, m इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं v r इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर दो कंडीशन बात करनी है तो ये हो जाएगा v1 r1 बराबर v2 r2। ठीक है, मान ली इसको 1 कह दिया हमने, दिस इज 2। ओके, हमें क्या करना है? हमें एक्चुअली v1 निकालना है, v1 बराबर क्वेश्चन मार्क, v1 क्या होगा? v1 आपका होगा v2 r2 / r1। ठीक है, रखते चले जाएं, v1
into 60, R2 1.6 into 10 power 12 divided by ये 8 into 10 power 12, ये power power cancel हो गई। अब ये देखिए आप करे होगा, ये 0.2 हो जाएगा, तो power cancel, तो 0 cancel हो गया, ये 12 हो जाएगा, 12 meter per second। ठीक बच्चों, इसका आंसर होगा 12 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, वही चीज आज बस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें सेट लाइट है, अर्थ के राउंड घूम रहा है, पहले रेडियस, हाँ जब रेडियस आर, एक सेट लाइट है, रेडियस आर घूम रहा है और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड टी1 है, वन डे एक चक्कर लगाने टाइम, टाइम पीरियड है कितना, एक दिन में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पहला सेट लाइट की बात हो रही, ठीक है हाँ। दूसरा, दूसरे की रेडियस पता नहीं, रेडियस पता नहीं इसकी, पता नहीं, लेकिन टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड कितना, 8 डेज पर सेकंड, मतलब पर रिवॉल्यूशन 8 दिन में चक्कर लगाता है, टाइम पीरियड है 8 दिन, 8 डेज। ओके, तो दूसरे की रेडियस चाहिए। चलिए अब इसमें देखिए अपना थर्ड लगेगा, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, हम कह सकते हैं t1 / t2 होल स्क्वायर इक्वल टू r1 / r2 का होल क्यूब, ऐसे। ठीक है, t1 मालूम है 1 / 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बाद में रखेंगे r कैसे रहेंगे बाद देखा जाएगा, ओके क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 1/64 इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब हो गया। अब ये 64 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1/4 का क्यूब, ये इक्वल टू हो जाए r1/r2 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब दे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 क्या होगा, r1/r2 होगा, r2 क्या होगा, 4r1, आप r1 की वैल्यू दी, ये आपका होगा 4r के बराबर, आखिरी में r1 की वैल्यू रखेंगे लास्ट में एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो, 36 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, दो रॉड है क्रॉस की, एक ही मटेरियल बनी है दो रॉड, ठीक है, एक रॉड ए है दूसरी रॉड बी है, जब दो दो चीजें दे रखी हो तो साथ साथ ऐसे लिख लेना ठीक है, लेंथ L और लेंथ 2L, इससे क्वेश्चन में डेटिंग गड़बड़ी ना हो, कभी मिस्टेक क्या होती है, पहली वाली वैल्यू दूसरी में लिखती, दूसरे पहले में लिखती, तो क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, लंबाई लिख दी, रेडियस लिख दी, 2R एंड R ऐसे, जिससे क्वेश्चन बार बार पढ़ाना पड़े, मिस्टेक भी ना हो। ठीक, डेल्टा डी सेम है, डेल्टा भी बताना, इसमें वालों में चेंज मारी डेल्टा बी वन, इसमें वालों में चेंज मारी डेल्टा बी टू, ओके। देखिए ए को बजाय डेल्टा बी ए के बी वन बी टू में सही रहेगा, टाइम बचता है। ठीक है, अब देखिए वालों में चेंज क्या होता है, डेल्टा बी बराबर होता है बी और गामा और डेल्टा टी, अतः गामा सेम है डेल्टा टी भी सेम है, मटेरियल सेम है तो गामा सेम है, डेल्टा टी दोनों को बराबर टेम्परेचर राइज किया गया तो डेल्टा टी भी सेम है, हम कह सकते हैं डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी, या ये बात कह दें कि डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, वी वॉल्यूम, ओके वॉल्यूम, रॉड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है रॉड का, इससे रॉड है वॉल्यूम सेंट का रॉड, मतलब रॉड मतलब सेंट का रॉड है ना, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो पाई तो कैंसिल हो गया, तो हम सीधे सीधे करते जाए, पाई कैंसिल ही करते हैं हम लोग, आर स्क्वायर मतलब पाई पाई लिख देते हैं 2r का होल स्क्वायर, l माने l डिवाइडेड बाय पाई या r स्क्वायर इनटू 2l, तो चलिए देखेंगे बचेगा, और 2 बचेगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, बच्चे ये पूछते थे पूछा था उन्होंने रेशियो क्या होगा 2/1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हीट वाला क्वेश्चन था, थर्मल एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 37 देखिए,
एग्जाम में समय कम होता है, इसलिए एक ही बार पढ़ना है, ध्यान सोचना है, समझना है। इसमें 10 ग्राम आइस 0 डिग्री पे है, आइस का टेम्परेचर ना दिया है तो अगर देते नहीं तो हम 0 डिग्री मानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। तो 10 ग्राम आइस ओके लिख दिया मैं, 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके साथ क्या मिला गया, 100 ग्राम वाटर ओके, 100 वाटर को मिलाया गया, टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर बताना है, पक्की बात टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर 0 और 50 बीच में होगा। और आंसर आप देख रहे हैं टेम्परेचर में आइस नहीं है, चलिए 0 कोई रिजल्ट नहीं है, तो पक्की बात है तो टी होगा, टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 50 ओके, पक्की बात वाटर ही होगा। फाइनल पोजीशन क्या होगी, वाटर होगा, ऑप्शन का चल गया, फाइनल पोजीशन होगी वाटर। तो हम क्या करना है, पहले ये वाटर पहुंचाना है, 10 ग्राम जो आइस है 0 डिग्री की वाटर पहुंचेगा, क्या होगा हीट टेकन बाय आइस क्या स्टेप होंगे, 10 ग्राम 0 डिग्री की आइस पहले क्या होगी 10 ग्राम 0 डिग्री के वाटर में बदलेगी ओके, देन फिर क्या होगा 0 डिग्री वाटर टी डिग्री टेम्परेचर में क्या माना टी, फाइनल टेम्परेचर लेट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू टी। तो 0 डिग्री वाटर कहां पहुंच जाएगा, 10 ग्राम टी डिग्री के वाटर में पहुंच जाएगा। हीट टेकिंग में दो स्टेप होंगे, एक ये हीट लेगा इस पोजीशन में और एक हीट होगी यहां पे हो जाएगी, हीट टेकिंग में दोनों हीट जोड़ते हैं हम लोग m into l, देखिए एल देते नहीं, एल होती है आइस वाटर में 80 कैलोरी पर ग्राम ठीक है, तो 10 इंटू 80 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या होगा एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी टी माइनस 0 छोड़ दिया, हीट टेकर वाला काम कहीं फाइनल हो गया ठीक है। हीट देगा कौन, वाटर हीट गिवन, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा 50 डिग्री जो वाटर है कहां पहुंच जाएगा, वो टी डिग्री के वाटर में पहुंच जाएगा ठीक है। तो हीट गिवन में क्या होगा एम एस डेल्टा टी, यानी कितना है 100 ग्राम एम एस इनटू डेल्टा टी, ये ध्यान रखें बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो 50 वैल्यू बड़ी है 50 माइनस टी करेंगे, टी माइनस 50 नहीं करना, बड़ी वैल्यू 50 है टी की वैल्यू 50 से कम है, तो 50 माइनस टी करेंगे टी माइनस 50 नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की हैं। अब क्या करें, हीट टेकन बराबर हीट गिवन यही कर देते हैं, क्यू वैल्यू सामने है, देखिए क्या होगा इसको ऐसे रहने दे हम बात सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 80 प्लस 10 टी इक्वल टू 100 इंटू 50 माइनस टी। अब क्या करें, 10 से सब डिवाइड कर दें आसान हो जाएगा, 10 से गायब हो गया एक, ये गायब हो गया और एक जीरो गायब ये हो गई, अब ब्रैकेट खोलेंगे सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो, 80 बचेगा प्लस टी बचेगा बराबर ये होगा 500 माइनस 10 टी। अब टी एक तरफ कर लिया है तो 10 टी को इधर ले आए, ये 11 टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 420 हो गए, माइनस कर फटाफट माइनस होना चाहिए, 500 में 80 घटाएंगे 420 हो गए, तो टी की वैल्यू देखिए क्या होगी, टी इक्वल टू 420 डिवाइड बाय 11। अब पहाड़ी वाले याद कर लो टेबल 20 तक बिल्कुल तो याद नहीं चाहिए। अब देखिए 3 आएगा ठीक है, और 7 टू 9 90 आएगा, 8 आएगा 38 पॉइंट समथिंग, पूरा करने जो तो नहीं है 38 में एक ही आंसर है, तो 38 छोड़ दिया करके बस आंसर आ गया आपका, क्योंकि 38 में और कोई आंसर है ही नहीं, तो ये नहीं 38 पॉइंट क्यों निकाले, आंसर देख लेना चाहिए, आंसर अगर कम से कम बन जाता है तो पूरा सॉल्व करने क्या जरूरत है। अगला क्वेश्चन देख 38 इसमें क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है 1 मोल के लिए, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है देखिए, ये ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3, तो 1 मोल की हो जाएगी 3/2 RT, ये थ्योरी वाला पॉइंट है चलिए ओके, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाली होती है कितनी, वो होती है 3, इसलिए और 1 मोल की बात है तो ऐसे
आरटी वैल्यू टू होती है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो जाएगी थ्री आर टी बाई टू। अगला क्वेश्चन 39 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अब हीट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। हम लोग वैल्यू पढ़ते जाएंगे और साइन के साथ लिखते जाएंगे। इसमें लिखा है गैस, हीट किसको दी जा रही है, गैस को दी जा रही है, हीट टेकन बाय गैस पॉजिटिव होती है। ये क्यू के लिए क्यू बराबर होता है प्लस 110 जूल। ये रूल लिखिए हीट टेकन बाय गैस, ये नियम याद कर लीजिए, टेकन बाय गैस पॉजिटिव होता है। और इसी प्रकार से वर्क, वर्क डन बाय गैस, जरूरी है वन पर डन बाई गैस, ये भी पॉजिटिव होता है। ये नियम याद कर लीजिए साइन का हीट वाले चैप्टर के लिए कि हीट टेकन बाई गैस पॉजिटिव एंड वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव, इसका जस्ट अपोजिट वाला माइनस हो जाएगा। तो इसमें हीट एक्चुअली गैस ने ली है, मतलब गैस को दी गई, मतलब गैस ने ली एक्चुअली, तो क्यू हो जाएगा प्लस 110। ओके, इन डेल्टा यू कितना देखा 40, डेल्टा यू दिया 40 साइन साथ में ले, यही है चलो वर्क डन बताना, डब्ल्यू बताना क्या होगा, फर्स्ट थर्ड लगा दे डेल्टा यू बराबर टू माइनस डब्ल्यू, इसमें साइन जिसके जिसके मालूम रखते जाएंगे हम लोग। और यूनिट देखिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, जो अगर ये जूल है तो ये जूल, तो ये भी जूल होना चाहिए, अगर ये कैलोरी तो ये कैलोरी, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, इससे सेम कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्यू कितना है 110 माइनस डब्ल्यू, साइन नहीं मालूम ना ही सही, डब्ल्यू साइन अपने आप मिल जाएगा, डब्ल्यू क्या होगा 70, और पक्की बात यूनिट क्या होगी जूल, कि ये दोनों जूल में है तो वो भी जूल में होगा, और साइन अपने आप प्लस 70 मिल गया। अगला क्वेश्चन देख 40, इसमें क्या है दो गैस है, ए वाली क्या है आइडियल गैस और बी वाली क्या है रियल गैस, दोनों आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। कह रहे वॉल्यूम चेंज किया गया, वॉल्यूम बढ़ाया गया V से 2V, बस फर्क क्या है दोनों के लिए क्वेश्चन आइसोथर्मल कंडीशन में है, बस एक रियल गैस है दूसरी आइडियल गैस है, तो डेल्टा यू बताना है। देखिए आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो यू चेंज नहीं होगी, तो डेल्टा यू क्या होगा जीरो, इसमें डेल्टा यू होगा जीरो, चेंज क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। और रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस में हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लेते हैं, तो अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्यों मॉलिक्यूल को दूर करने में, तो वर्क करना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी, चलिए गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स लिए जाते हैं, और आइडियल गैस में हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, मतलब नहीं है उसमें, इसलिए बी में इंटरनर्जी में चेंज होगा वो कुछ होगा मतलब ज्यादा होगा, और ए में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। तो यही बताना था इंटरनर्जी में इंक्रीज बी वाले की एक रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन 41, इसमें क्या है ये उसका चैप्टर क्वेश्चन है वेन्स लॉ वाला, ठीक है। मैक्सिमम वैलेंस दे रखी है, टेम्परेचर 2000 के पे 4 माइक्रोमीटर है, और तो बताना है जब टेम्परेचर 2400 के है तो वैलेंस कितनी होगी, तो इसमें 20 लंबाई 20 लंबाई के क्या होता है लैम्डा एम इनटू टी बराबर कांस्टेंट, 20 लंबाई कहता है टी, अब की बात लैम्डा एम 1 इनटू टी 1 बराबर लैम्डा एम इंटू टू इंटू टी टू, ठीक है, रखते जाए हम लोग
पहली 4 माइक्रोमीटर है, 4 देखिए सेम ये रखे, ये जो लंबा यहां होगी वही वहां मिल जाएगी। T1 की वैल्यू सेम होगी, केल्विन में होगा। T1 कितना है 2000 2001 2 3 इक्वल टू, ये हमें निकालना है लंबा है तो हमें निकालना है ठीक है। और T2 कितना है ये दे रखा है 2400। देखिए 2020 ये 20 यहां कैंसिल हो गई, नीचे आएगा तो देखिए 4 × 20 / 24 हो जाएगा। 4 से कैंसिल हो रहा है, ये निकालना है चलिए ठीक है, 4 कैंसिल है और ये 20/6 लैम्डा एम 2 जो हो गया 20/6 हो गया। 20/6 को और डिवाइड कर दें ठीक है, और आसान हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ना, तो अब आसान 3.3 हो जाएगा ठीक है 3.3। तो रिजल्ट क्या होगा माइक्रोमीटर, क्योंकि लैम्डा वन माइक्रोमीटर लिया थे माइक्रोमीटर में ही आएगा ओके। अगला क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे रखी है cos 4πt plus π/4, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बताना है। तो हम क्या करें क्वेश्चन कंपेयर कर दें, a cos omega t plus phi naught, तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा ओमेगा टी पर दिस मच, ओमेगा क्या हो गया 4 पाई हो गया, ओमेगा माने 2 पाई n बराबर 4 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, n बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, तो और जो गई फ्रीक्वेंसी ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 में क्या है, दो मास से देखिए क्योंकि ऐसा है, पहला मास है M1, दूसरा मास है हमारा M2 ओके, और यहां से हैंग कर रहा है ऐसे स्प्रिंग के माध्यम से ठीक है ऐसे, पहले सिस्टम रेस्ट में है, फिर क्या किया M1 को हटा दिया, तो अन पहले देखिए बैलेंस फोर्स है, इस ऊपर वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स नीचे फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब M1 जी कितना हटाया हमने, हमने फोर्स हटा दिया M1 जी, अब ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, फोर्स हटाने इतना मास हटाने से SHM करने लगेगा, ये जो फोर्स है यही SHM कराएगा, तो ये फोर्स क्या होगा, फोर्स बराबर मैक्सिमम फोर्स क्या होता है F मैक्सिमम हो जाता है आपका M ओमेगा स्क्वायर x होता है, मैक्सिमम फोर्स क्या होता है x स्क्वायर ये हो जाती है M ओमेगा स्क्वायर इनटू a हो जाता है। या उसको kx कह दें, kx बराबर हो जाता है ka, वही हो जाएगा ka के बराबर ka, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा ka हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा m ओमेगा स्क्वायर k के बराबर होता है, तो ये मैक्सिमम फोर्स क्या होगा ये हो जाएगा k इनटू a, तो ka बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा m1g / k। और इसे देखिए टाइम फॉर्मूला याद रखिए 2 पाई लॉग m / t होता है, उसी से एक्चुअली हम निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर, अगर हम निकालें उसी से ये मैटर k के बराबर आ जाता है, तो यही फोर्स है जो SHM करा रहा है इसको, तो फोर्स हमने क्या कर दिया k बराबर कर दिया, दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स, उससे हमें पता चल गया एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन जो हो रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अगला क्वेश्चन 44 देखिए, डिस्प्लेसमेंट को सेंस में दे रखी है, स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी होगी, y बराबर दे रखा 10^-4 और sin 600t - 2x
सब मीटर सेकंड में है, वेव भी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, इसको हम क्या करें, वेलोसिटी एचएल वेव निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ओमेगा बाय के से, इससे बहुत आसानी से निकल आता है। के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करवा दें, इक्वेशन क्या होगी, y = a और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस जो इनिशियल फेज जो भी है ऐसे होगी, हमने इसे बड़े आसानी से ओमेगा मिल जाएगा। देखो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू होगी 600 के बराबर, और के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 2, तो वेलोसिटी यहां से इसकी वैल्यू यहां रख दें, वेलोसिटी मतलब v मतलब ओमेगा बाय के 600 बाय 2 बराबर हो जाएगा सीधे 300 मीटर पर सेकंड, सबसे आसान तरीके से ऐसे निकल आती है वेलोसिटी ओमेगा बाय के से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, वायर है, स्ट्रेस वायर, फर्स्ट ओवर टोन फ्रीक्वेंसी दे रखी, मतलब फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ वन दे रखी है 320 हर्ट्ज, बतानी क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, बराबर क्वेश्चन मारती है। देखिए वायर, स्ट्रेच वायर या डोरी कुछ भी हो, ऐसे अगर इधर किनारे जो बंधी है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है, इसमें सभी हार्मोनिक पाए जाते हैं, पहली बात भी पता होना चाहिए, जैसे ओपन हार्मोन पाइप में पाए जाते हैं सभी हार्मोनिक, उसी प्रकार से स्ट्रिंग में भी सभी हार्मोनिक पाए जाते हैं, ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट ओवर टोन, इसी को कहते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, और इसको छोड़ कर ये जो स्टार्ट होगा दिस इज दे, ये होगा फर्स्ट ओवर टोन, तो पक्की बात है फर्स्ट ओवर टोन फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक से डबल है ना, ये देखिए ये इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड फोर्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक सभी पाए जाते हैं, और ओवरटोन स्टार्ट होगा यहां से, इसको छोड़कर यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट ओवरटोन, इसको कहेंगे, तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट हार्मोनिक से डबल होगी, मतलब 2f2 f1 किसको कहा था, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी f1 कहा था, फर्स्ट हार्मोनिक को हमने नाम दिया था f2, f2 की वैल्यू, हां वो जो फर्स्ट ओवर टोन f1 की वैल्यू कितनी होगी, 2f2 के बराबर होगी, फर्स्ट ओवर टोन फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक से डबल है, f1 कितना 320 दे रखा है बराबर 2 × f2, f2 क्या हो गया, f2 हो गया 160 बराबर, बस यही निकालना था, फर्स्ट ओवर कितनी होगी, फर्स्ट ओवर टोन होगी 160 हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46, हाँ इसमें दे रखा है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 40 है, 4 की फ्रीक्वेंसी है 40, हाँ और वो सोनोमीटर वायर के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो 10 मीट मिल रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वायर, वायर फ्रीक्वेंसी देखिए, वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 480 प्लस माइनस 10, ये कितनी होगी 490 होगी, ये तो 470 होगी,
जिसकी तो इसे नहीं मालूम है उसकी मालूम से हम लोग निकालते हैं प्लस माइनस करके। फॉर्म की कोई 480 है तो वायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 480 प्लस माइनस 10 क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड 10 दे रखे हैं। ठीक है, अब ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, आगे देखिए दे रखा है। हाँ, मान लीजिए हमको इसको ले लेते, ये हमने इसको पिकअप कर लिया 490। ठीक है, फिर कह रहे टेंशन बढ़ा दिया हमने, टेंशन बढ़ाई फ्रीक्वेंसी क्या होती, टेंशन फ्रीक्वेंसी याद रखिए 1/2L अंडर रूट T / म्यू होता है। टेंशन बढ़ाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी की बढ़ाई 490 से एक बढ़ा दी 491 हो गई, एक बढ़ाना शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ाते हैं तो पहले से कम बीट मिले चाहिए, जरा देखिए कितने बीट मिल रहे हैं। फॉर्म फ्रीक्वेंसी कितनी है, फॉर्म फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है 480। अब जरा देखिए कितने बीट मिल रहे हैं, माइनस करें, यहाँ पे 11 बीट मिल रहे हैं पर सेकेंड, उसमें क्या है कम बीट मिलने चाहिए, पहले 10 मिल रहे थे अब 11 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये बात सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही नहीं है, क्योंकि ये लेते हैं हम लोग तो बीट जो बात कही गई है उससे गलत हो रही है। उसमें क्या है पहले से कम बीट मिलने चाहिए लिखा, अब मिल रहे हैं पहले से ज्यादा बीट, तो अगर ये बात हमने 490 लिया था तो ये दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं सही है, तो 470 वाला सही होगा। हम आपको कर दिखा सकते हैं कि कैसे सही होगा, मतलब आपको इससे बात क्लियर नहीं हो रही तो हम कहते हैं 470 लेके दिखा सकते हैं। हमको 470 वाली हमने लिया, इसका टेंशन बढ़ाया तो इसका फ्रीक्वेंसी मान ली 1 बढ़ गई, 471 हो गई। अब जरा देखिए इसके साथ कितने बीट मिल रहे हैं, माइनस कर दिया, लेकिन 9 बीट पर सेकंड मिल रहा है, 9 बीट पर सेकंड मिल रहा है। अब बीट कितने मिल रहे हैं 9, पहले कितने मिल रहे थे 10, तो बीट कम हुए कि नहीं, और वही बात इन्होंने कही भी है कि पहले से कम बीट मिल रहे हैं, इसका मतलब दिस इज करेक्ट, इसका मतलब 470 वाला आंसर सही है। कोई भी ऑप्शन आप लेंगे तो उसे एक बार चेक करने से ही पता चल जाएगा, दोनों चेक नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमने आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरा चेक कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख 47। जो दो वेव दे रखी है उनके एम्पलीट्यूड रेशियो दे रखा 5:2, तो कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी के रेशियो, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है एनर्जी डेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, तो पक्की बात है रेशियो क्या होगा, रेशियो भी वही होगा, रेशियो बराबर होगा a1 / a2 का होल स्क्वायर, इसका जो रेशियो है उसके स्क्वायर कर दिए हम लोग, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है 5.2 होल स्क्वायर, तो हमें लगभग आएगा 25/4 ये रेशियो हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 48 बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल डाइपोल है उसको ई के डायरेक्शन से, इसे वाली ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये डाइपोल ऐसे रखा गया ऐसे 30 एंगल पर रखा गया है और टॉर्क दे रखा है, तो डाइपोल के का चार्ज बताना है। पक्की बात है डाइपोल में चार्ज ये अगर प्लस की होगा दूसरा माइनस की होगा, ओके अगर डाइपोल होता है इस टाइप से, ऐसे डाइपोल वाली है तो अगर ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, और ये अगर लंबाई आपकी एल है दोनों के बीच डिस्टेंस, तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो होता है क्यू इंटू एल। ध्यान रखिए इसका ही इसको 2L मान लेते हैं, कभी कभी एल मान लेते हैं, तो जो जितनी लेंथ होगी ये उसी को लिया जाए क्यू इंटू एल होगा, कभी कभी इनको 2L मान लेते हैं क्यू इंटू 2L हो जाएगा, तो बट दिस इज दिस विल बी 2L और इसको हमने एल माना है तो क्यू इंटू एल होगा, क्योंकि टॉर्क टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, चलिए पी क्रॉस ई होता है वेक्टर फॉर्म में, तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहिए तो होगा पी साइन थीटा, हमें वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही चाहिए होगा, उसे क्या मिलेगा पहले हम लोग पी निकालेंगे,
पी से हम लोग क्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू दे रखी है, लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर, तो जी एल दे रखी है, एल इज योर 2 सेंटीमीटर, पहले हम पी निकाल लें, तो देखिए टॉर क्या 4 इक्वल टू पी को पी रहे दे, ई कितना है 2 न्यूटन पावर 5, साइन थीटा कितना है, ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, ये साइन 30 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी आई, पी के बराबर आपका हो गया 5 4 × 10⁻¹, और पी बराबर क्या होगा यहां से पी इंटू एल, तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा पी बाई एल, 4 × 10⁻¹, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, हमने इनको इसको कर दिया सेंटीमीटर मीटर मतलब, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, पक्की बात है कूलम में होगा, तो ये किस में होगा कूलम में, तो क्या ले सकते हैं मिली कूलम, तो इसको कह सकते हैं 2 मिली कूलम, ऐसे लिख दिया जाएगा 10⁻³ में मिली कूलम हो जाएगा, ठीक है, आंसर में मिली कूलम लिख रखा है तो हम कूलम नहीं दिया तो मिली कूलम बदल लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 49 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, ये भी डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन है, हाँ इसमें वर्टर पूछा है, तो वर्टर कैसे निकालते हैं, वर्टर निकालते हैं डेल्टा यू से, मतलब U2 - U1 एनर्जी का, और U क्या होता है, U होता है -PE - P.E, एच भी कह सकते हैं, पूरे फॉर्मूला एच ये होता है -P.E, जब कह सकते हैं -PE cos थीटा, देखिए ये फार्मूला याद होना चाहिए, और इसे ये बात पता होना चाहिए वर्टर होता है फाइनल माइनस इनिशियल U2 - U1, मैंने लिख दिया फार्मूला पूरे डॉट फॉर्म में, फार्मूला याद रखिए, इससे तो मिल ही जाएगा E cos थीटा, पहले U1 कितना है, पहले कह रहे हैं उसके अलोंग है तो थीटा पहले कितना 0 है, वो -PE cos 0 मतलब -PE है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी -PE है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देखिए -PE, ठीक है, हाँ उल्टा कर दिया तो चल क्या हो एंगल, पहले 0 था पलट देंगे तो 180 एंगल हो जाएगा, -cos 180 होगा, तो ये हो जाएगा PE बन जाएगा, ऐसे ये U2 U1 मिल गए, यहाँ रख देंगे वैल्यू हम लोग, W क्या होगा U2 मतलब PE और माइनस PE, हाँ ये चलिए माइनस प्लस बन जाएगा आपका U2 - U1, ठीक है, तो ये -PE हो जाएगा, ये है ही मतलब -PE, हो जाएगा 2P, ये चाहते बटन कितना होगा 2P बराबर हो जाएगा बटन, माइनस प्लस बन जाएगा 1 - 2 जुड़ जाएगा, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पेंडुलम हमारे पेंडुलम यहां लटका दिया हमने ऐसे डोरी से आता से बॉब लटका दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिकल फील्ड इधर की ओर है, चार्ज पॉजिटिव है तो एक फोर्स लगेगा क्यू ई इधर की ओर, ठीक है, एक फोर्स लगेगा एम जी इधर की ओर, पक्की बात है डोरी पहले वर्टिकल थी अब वर्टिकल नहीं रहेगी, अब डोरी क्या होगी, अब जो पक्की बात है इनका जो रिजल्टेंट होगा डोरी सी चेंज हो जाएगी, तो देखिए एक्चुअली रिजल्टेंट का ये होगा ऐसे, तो डोरी चली ऐसे हो जाएगी, इसका फिगर कैसे होगा ऐसे, ये इसको आगे खींच ली जाए ऐसे, ऐसे हो जाएगा चलिए ऐसे, इनका जो रिजल्टेंट है इनका दोनों रिजल्ट इधर जाएगा तो टेंशन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऐसे, यहाँ एफबीडी देखें आप एफबीडी स्टाइल कैसे हो जाएगा एमजी, और ये होगा पीजी वो क्यूई, दिस विल बी क्यूई, बिल किसका ये बॉब, बॉब की 3 फोर्स लगेंगे, अगर बीडी बनाए बॉब का तो ऐसे होगा, एक टी इधर होगा और ये
एंगल्स कोई मतलब नहीं, मान ली एंगल बाई चांस कहते थीटा मान लीजिए, जैसे थीटा कोई पूछ पूछ देते हैं लोग, इधर होगा क्यूई और इधर होगा एमजी बॉब, दिस इज योर बॉब, बॉब के ऊपर थ्री फोर्स लगेंगे, एक टेंशन फोर्स इधर होगा और क्यू इधर होगा, एमजी इधर होगा। आप कहो ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसके इसके रिजल्टेंट को ये बैलेंस कर देगा, इन दोनों के रिजल्टेंट कहां होंगे, इन रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, इसके ठीक अपोजिट टी होगा, इसे टी की वैल्यू इनके बराबर हो जाए, अगर कंपोनेंट्स करें तो भी हो जाएगा, कि टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना होगा, एमजी के बराबर हो जाएगा। पूरी बात पता हूं, सीखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीटा पूछ देते हैं, कभी टेंशन पूछ देते हैं, कभी चार्ज पूछ देते हैं, कभी मास पूछ देते हैं, हर तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम्स क्वेश्चन कर रहे हैं। टी एंगल वर्टिकल थीटा लिया, टी कॉस थीटा एमजी बराबर हो जाएगा, और टी साइन थीटा इसके बराबर होगा, वो क्यू ई के बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा। अब मान ली स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर कर दें और सेकंड का स्क्वायर कर जोड़ दें हम लोग, क्यों क्यों ऐसे किया, अगर थीटा निकालना होता तो डिवाइड कर देते हम लोग, तो टी कैंसिल हो जाता, थीटा आ जाता, टेन थीटा आ जाता। तो अगर मान ली टी निकालना है तो स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से क्या फायदा होगा, टी स्क्वायर जो वैल्यू होगी वो होगी एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी बराबर आपका होगा अंडर रूट एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। वैल्यू से देखिए दे ही रखी है, मास दिया है और जी दे रखा है और ई दे रखा है, ठीक है, एम के एस में सब दिया है, सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी, थर्ड लेवल आंसर आएगा आपका, ठीक है बच्चों। ये बात को जो क्वेश्चन हो गया, कोई अगर डाउट लगता है आपको, मेरा नाम लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, आप कोचिंग में फोन कर संपर्क कर सकते हैं, कोई डाउट लगता है फिर भी मान लीजिए, मैंने कोशिश की वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी सभी सोल्यूशन में कैलकुलेशन सॉल्व कर रखी है, ठीक है। तो कोई बात तो फिर भी हो, आप समझ रहे हैं बात, इसी बात कोई डाउट लग रहा हो कहीं पर, इसी आंसर में ऑप्शन में सोल्यूशन भी देख लें, फिर आप संपर्क कर सकते हैं फोन करके, तो मैं कोचिंग में आपको मिल जाऊंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट, और नीट अपने एग्जाम बस आ ही रहा है, अपने पास में आ गया, आज मॉडल टेस्ट होंगे, इसके बाद मॉडल ही स्टार्ट होंगे, पहला मॉडल, सेकेंड मॉडल, फाइव मॉडल पेपर होंगे, तो उसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, आप ठीक है, अच्छा अच्छा करें और मिस्टेक जो है सुधारते जाएं, कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ है तो संपर्क करते जाएं, ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी कभी।